जो बात बोलने जा रहा हूँ दोस्तों ध्यान से सुनना और सुनने के साथ में उसको सोचना समझना और फील करने की भी कोशिश करना आप लोग कहीं पर जा रहे हैं और आप बहुत ही छोटे से बच्चे हैं आप लोगों को ये आइसक्रीम देकर चॉकलेट देकर बहला फुसला कर ले जाता है और फिर ले जाकर कहीं पर आप लोगों को भीख मंगवाने के लिए मजबूर करता है कई सारे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे स्लम डोग मूवी में वो इसी पैटर्न पर बनाई गई है तो ये कैसी वीडियो है जो बच्चों को गाइड करती है कि बच्चे बाहर से अगर कोई उनको कोई चॉकलेट देता है कोई आइसक्रीम देता है या फिर कोई भी ऐसा सामान उनको देता है जिसको खाने के बाद बच्चे बेहोश हो जाते हैं और फिर वो उसको उठा के ले जाते हैं इवन एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले आप लोगों से उसमें ये बताया गया कि बच्चों को ले जाकर उनकी बलि भी दी जा रही है कई सारे अंधविश्वास का भी शिकार बन चुके हैं बच्चे तो अगर आप लोगों के आसपास में कोई भी आप लोगों के घर में कोई बच्चा है आसपास में कोई बच्चा है तो इस तरीके से उसका एजुकेट ज़रूर करना ताकि कोई भी बच्चे को बहला फसला उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद न करें और बहुत सारे बच्चों के ऑर्गन तक भी निकाल कर बेसिकली मार्केट में बेचे जाते हैं तो ये धंधा बन चुका है जो कि इंसान की इंसानियत इनसान पर एक काला धब्बा है एक ऐसे बच्चे जो कि देश का भविष्य है उनको एक ऐसे माहौल में डाला जाता है आई होप कि अवेयरनेस की वीडियो आप लोग सब तक पहुंचाओगे और इसको ध्यान भी रखोगे क्योंकि आगे जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर बैठोगे तो यही चीजें हैं जो आप लोगों को रोकनी है सोसाइटी का यही काला सच है जिसपे आप लोगों को काम करना है ओके अजद जोशा जोश हाँ सर। हाई है ना जोस्त बस हाई रहना चाहिए क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को आप लोगों का मुकाम हासिल करने में आप लोगों की सहायता करेगी अच्छा ये बताओ कल कितना टाइम आप लोगों ने पढ़ाई को दिया जो आप लोग टाइम दे रहे हैं वो बढ़ा यानी कि कल कितने घंटे आप लोग पढ़े बैठ के और आज कितना पढ़ने वाले हो और कौन कौन ऐसा है जो कि मॉर्निंग में टाइम पर उठकर अपना प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है ये जो 24 घंटे होते हैं ना यार ये 24 घंटे हर एक इंसान को मिलते हैं पर लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन 24 घंटों को ढंग से निचोड़ पाते हैं और वो वही लोग निचोड़ पाते हैं जो प्रोपर वे में इसका एक शेड्यूल बनाते हैं यानी कि शाम को सोने से पहले अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कि कल हम लोग क्या क्या करेंगे अगर वो आप लोगों के हाथ में नहीं होगी तो मैं गारंटी से दे सकता हूं साइन कर का स्टाम्प पेपर पे आप लोगों को कि आप लोग अपना टारगेट अचीव नहीं करोगे उस दिन का मैक्सिमम टाइम आप लोगों का खराब जाने वाला है और आप लोग शाम को बैठकर फिर रिग्रेट करने वाले हो तो किसने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है जिसने बना ली है वो बताइए और जिसने नहीं बनाई है वो इस वीडियो को पॉज कर कर पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और फिर आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली वो टू डू लिस्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में भी लिखे इससे यहाँ पर आप लोगों को भी ये रहेगा कि हाँ यार एक ऐसा काम हम लोगों ने किया है जिसको हम लोगों को कंप्लीट करना है जैसे यहाँ पर देखो इनके द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से जो उठ रहे हैं टाइम पर और अपनी लिस्ट और यहाँ पर देखो एंड तक आते आते ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप लोग अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को अपने आप को एनालिसिस करना है मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों को आप लोगों के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहा हूं दुनियादारी से हटकर और यह तब होगा जब आप लोग एक प्रॉपर सिस्टेमेटिक वे में शाम को अपना शेड्यूल बनाएंगे कि कल का दिन कैसे आप लोगों को लेकर चलना है अगर ये नहीं बनाएंगे ना मैं लिख के दे रहा हूं आप लोग टाइम पर उठोगे ही नहीं क्यों क्योंकि रीजन ही नहीं उठने के लिए तो ये आप लोगों को हमेशा डिसाइड करना है तो कल के दिन को कितना नंबर दोगे आप लोग कि हाँ कल का दिन ऐसे यूटिलाइज़ किया है और आज का दिन कैसे यूटिलाइज़ करने वाले हो वो जरूर बताना और मॉर्निंग में गुनगुना पानी जरूर पी लिया करो उठते ही अगर चाहते हो अपनी हेल्थ को ठीक रखना जीतने और हारने वालों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है अगर आप लोगों में सच्ची सच्ची बताऊं एक इंसान ऐसा है जो बहुत शानदार जगह पर बैठा हुआ है अपना मुकाम बने हुए और एक इंसान ऐसा है कि जो हार गया है वो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं यार और वो छोटे छोटे से डिफरेंस जो हैं वो दिन में कई बार आप लोगों को मौका देते हैं आप लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कल इंस्टाग्राम पर दो मैसेज आए एक मैसेज ये है कि सर अभी एक हफ्ते से लगभग आपके साथ में जुड़ाऊँ तो लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ अचीव करूँगा अब अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ टाइम पे सो रहा हूँ टाइम पे उठ रहा हूँ और सही जब मॉर्निंग स्टार्ट होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है एक तो वो बच्चा है एक वो बच्चा है जो कह रहा है कि सर उसने देखो दोनों के एक जैसे मैसेज है उसने कहा कि सर मुझे आपके साथ में जुड़े हुए लगभग दस बारह दिन हो गए अब तक मैंने इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया जिसकी कुछ छत नहीं है अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैंने इतना टाइम बर्बाद क्यों किया अब थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है पर लेकिन जो टाइम बर्बाद कर दिया सर उसको देख के ऐसा लग रहा है मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली मतलब मतलब यह है कि दोनों सेम काम कर रहे हैं नए नए अभी जुड़े हैं उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया अपने टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया एक को देख रहा है कि चलो अब तक जो हो गया हो गया अब चीज़ों को ढंग से स्टार्ट करते हैं अच्छे से लेकर चलते हैं एक है कि जो पिछले वाली चीज़ों को देख के रो रहा है तो आप लोग खुद सोच लो कि आप लोगों को किस कैटेगरी में आना है क्योंकि टाइम आप लोगों का ही है यूटिलाइज आप लोग करना है और यार किसी और के लिए थोड़ी ना करना है अपने लिए करना है और जो इंसान अपने लिए अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए अपने परिवार की इज्जत को बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लाने के लिए मेहनत नहीं कर सकता वो किसी और के लिए क्या करेगा तो सबसे पहले अपने लिए मेहनत करो आप लोग जब अपने पैर पर खड़े होंगे ना तब किसी की हेल्प कर पाओगे अब किसी की हेल्प तभी कर पाओगे जब आप लोगों की खुद का पेट भरा हुआ होगा खुद ही भूखे बैठे हो तो किसी को क्या रोटी खिलाओगे ये तो बता दो एक मिनट के लिए तो पहले अपनी उन्हें कहते हैं कि शर्मा जी पहले अपनी पेटी बांध लो तो पहले अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में लेकर आओ अपना पैसे कमाओ अच्छे जॉब करो अपनी लाइफ को सेट करो उसके बाद में जब लगे किसी की हेल्प करनी है तो फिर आप लोग किसी की हेल्प भी कर पाओगे तभी एक समाज को आप लोग बेहतर समाज बना पाओगे इसीलिए पहले अपने ऊपर फोकस देना है ठीक है तो अच्छे से फोकस करो और सही तरीके की चीज़ों को लेकर चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी इनके बारे में आप लोगों को बताना है देखता हूँ कौन इनको पहचान पाते हैं भारत रत्न अवार्डी है ये आज का डिस्कशन बड़ा ही शानदार रहने वाला है सुनकर आप लोगों को मजा आने वाला है और उनको मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा जो बैठकर टाइम देखते हैं ना घड़ी टक 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 है सर लेक्चर लेंदी हो गया सर लेक्चर ये हो गया <laughs> मेरे दोस्त ये बता दो बस मुझे एक मिनट के लिए कि 24 घंटे में से कितने घंटों को तुम शानदार तरीके से यूटिलाइज़ करते हो कभी ये जो बार है इंस्टाग्राम पर रखते हो या यूट्यूब की शॉर्ट पर रखते हो अपना ये बार कि हाँ यार आज तो ज़्यादा शॉर्ट देख लिया आज तो ज़्यादा रील देख लिया आज रहने देते हैं अभी टाइम कितना बर्बाद कर दिया जो यहाँ पर आकर टाइम देख रहे हैं ना वो वो रियलिटी में पढ़ाई के लिए सीरियस है ही नहीं है ठीक है बस हाँ आ गया है कि हाँ ठीक है यार चलो लेक्चर आता है देख लेते हैं ऐसे नहीं चला करती ज़िंदगी अगर ये वाले पैटर्न में हो ना तो वीडियो बंद कर दो कोई और काम कर लो जिसमें मन लग रहा हो इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से ज़िंदगी में बैठ कर क्योंकि इंसान उसी काम को करने में आगे बढ़ेगा जिसके इंसान को करने में टाइम का पता ही ना चले वो मैसेज देख के मुझे मज़ा आता है कमेंट बॉक्स में जब देखता हूँ कि सर डेढ़ घंटा कहाँ चला गया सर पता ही नहीं चला वो है रियलिटी में पढ़ाई इतना सारा डूब गए इतना इस तरीके से पढ़ गए कि पता ही नहीं चला कि कहाँ पर टाइम चला गया तो वो होती है पढ़ाई और जो गिन रहा है कि सर पाँच मिनट ज़्यादा पढ़ा दिया आज तो सर और पाँच मिनट ज़्यादा पढ़ा दिया मेरे दोस्त क्या ही करोगे यार तो थोड़ा सुधारो उस चीज़ को और वास्तव में मुझे बुरा लगता है यार ये चीजें थोड़ा सा अंदर तक बुरी लगती हैं तो कम से कम प्रोडक्टिव नहीं तो ऐसे कमेंट मत किया करो कि हां सर पांच मिनट ज्यादा हो गया ये ठीक है फीडबैक देने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया तो उसके बारे में बताओ कि हाँ ये अच्छा नहीं पढ़ाया ताकि उसको मैं इंप्रूव कर सकूँ ओके काफी शानदार डिस्कशन रहेगा करंट स्टेटिक का पोर्सन के साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस आंसर राइटिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी मजा आने वाला है इंजॉय करोगे इस बात की गारंटी देता हूँ बस थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करते रहिए और एंड तक देखिए वीडियो अगर आप लोग आप लोग वनडे टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो एंड वाला सेक्शन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही रोल प्ले करेगा अच्छे से पर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को सारी चीजों की डेवलप करके चलनी है ओके पी सारी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है जाकर डाउनलोड कर लिया करो और ये वीडियो जरूर देखना जिसने पॉलिटिव पढ़ी है वो इस जोक को समझ जाएगा <laughs> या आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई तो मुझे लगा शेयर कर दूँ पॉलिटिव वाले जरूर समझ जाएंगे इसको इसने पढ़ रखी है काफ़ी शानदार जोक लगा मुझे <laughs> तो अच्छे से अपना मूड फ्रेश करते रह करो ठीक है तो आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं काफ़ी शानदार इंपॉर्टेंट डे पर नज़र डालते हैं कुछ दो डे आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक तो होगा यहाँ पर वर्ल्ड फिलोसफी डे के बारे में खासकर अगर आप लोग फिलोसफर जो हैं आप लोग अगर सुनते हैं थोड़ा बहुत जो कि अपनी जिंदगी का एक सार आप लोगों को बड़े बड़ी सिस्टमेटिक बताकर जाते हैं और सोसाइटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं तो ये एक आसान तरीका होता है जिंदगी को इम्प्रूव करने का थोड़ा बात करेंगे इसके ऊपर और दूसरा है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबल अवेयरनेस वीक ये पूरा वीक है अट्ठारह से लेकर चौबीस तारीख तक आप लोगों को देखने को मिलेगा ये नवंबर के महीने में तो वीक मतलब पूरा सप्ताह यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा आप लोगों ने सुना होगा कई सारी बीमारियों के बारे में कि हाँ यार ये बीमारी जो है एंटीबायोटिक के खाने से आप लोगों ने देखा होगा कई बार रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है तो इसलिए कहते हैं कि अपने आप खुद से आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है तो इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह से ही आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी है और हेल्थ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप लोगों से बात करूँ हमारे संविधान के अंदर में सातवें शेड्यूल के अंदर में तीन लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कौनक लिस्ट जो हेल्थ का सब्जेक्ट जो है वो याद रखेगा स्टेट लिस्ट के अंदर में यहां पर रखा हुआ है और इसी के साथ में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं तो वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग सबसे पहले एजुकेशन से पहले भी आप लोग हेल्थ को रखते हैं तो इस तरीके से आप लोगों से ये बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है क्योंकि इंसान जो है अगर हेल्दी रहेगा तो ही चीज़ों को सही से लेकर चल पाएगा तो इसलिए ये सारी बातें भी आप लोगों को समझाई जाती हैं ठीक है तो हेल्थ जो है वो तीसरा गोल रखा गया है इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में भी उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो भी एंटीबायोटिक आप लोग यूज़ करते हैं तो वो एंटीबायोटिक ऐसे ही यूज़ नहीं करनी है कि सर में दर्द हो रहा तो गोली गोली खा लो पेट

कई बार एक तरीके से किसी बच्चे को अगर थप्पड़ मारो तो इस स्टार्टिंग में डरेगा बिना थप्पड़ मारे हुए ठीक है पर लेकिन एक बार थप्पड़ मार दे तो कहेगा ठीक है एक थप्पड़ ही तो मारेगा ठीक है फिर चार पांच थप्पड़ मारने स्टार्ट करो उसका थोड़ा चार पांच थप्पड़ का हो जाएगा कि ठीक है हाँ चार पांच थप्पड़ मारेगा तो यही हमारी बॉडी की भी रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर पांच बजे आज आप लोग उठ रहे हो कल को आप लोग साढ़े पांच बजे उठ जाओ और फिर कल को नेक्स्ट डे जो है आप लोग पांच बजे उठने की कोशिश करो तो शरीर मना करेगा बोलेगा कल तो भाई साहब साढ़े पांच बजे उठे थे आज जल्दी के उठ रहे हो अरे सोलो थोड़ा सा और क्या भागी जा रही है जिंदगी तो यही रियलिटी है आप लोगों की बॉडी की तो इसलिए थीम यहां पर जो है वो बोला गया प्रिवेंसन एंटीमाइक्रोबल रेजिस्टेंस टुगेदर तो इसलिए कहते हैं कि अपने आप डॉक्टर नहीं बन रहे दवाइयाँ मत लो अपने आप अगर देसी नुस्खे हैं तो वो आप लोग ले सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है ठीक है यही सारी बातें हिंदी में भी हैं अगर आप लोग हिंदी भाषी हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो है यहाँ पर यह है वर्ल्ड फिलोसफी डे फिलोसफर जो होते हैं ना यार अलग अलग कंट्री के जैसे गांधी जी अलग फिलोसफर थे ठीक है हमारे देश में भीमराव अम्बेडकर जी अलग अपनी फिलोसफी देते हैं ऐसे ही दुनिया में आप लोगों ने बहुत सारे फिलोसफर का नाम सुना होगा किसी एक इंपॉर्टेंट फिलोसफर का नाम बताओ अपने देश के अलावा इस तरीके से वो अपनी कल्चर के बारे में बता रहे हैं अपनी कंट्री के बारे में बता रहे हैं अपने देश की प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं उनके सोल्यूशन कई सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग एक डाइवर्स समाज में रहते हैं इसीलिए कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम यानी कि हमारी जो पृथ्वी है हम लोग उसको एक मानकर चलते हैं तो इसलिए यहाँ पर फिलोसफर जो भी फिलोसफी है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर कल्चर को प्रमोट करते हैं और डिबेट करते हैं ह्यूमन डिग्निटी के और डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो इसलिए अट्ठारह नवंबर को ये डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए फिर से बोल रहा हूँ कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ से हम लोगों को ये बेसिकली पीडीएफ चाहिए मिलेगी वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था स्टार्टिंग में सारी चीज़ें इकट्ठी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है इन्जॉय कर लिया करो ठीक है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा बात की जा रही है रिनीएबल एनर्जी से रिलेटेड एक अलायंस के बारे में आप लोगों को पता है कि ऑफ और ऑन का मतलब क्या होता है ऑफ शोर जब शब्द यूज किया जाता है तो इसका मतलब है कि किनारे से अलग यानी कि पानी के अंदर जाकर यहां पर बात की जा रही है तो उसमें जब आप लोग कोई भी ऐसा टर्बाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये ऑफ शोर विंड टर्बाइन हो गया यानी कि पानी के अंदर हो गया पर लेकिन जब जमीन पर आप लोग लगाते हैं तो इसका मतलब ये ऑन शोर हो गया तो इसके ऊपर यहां पर काम करने के लिए एक प्रॉपर ग्लोबल लेवल पर एक अलायंस है जिसको बोलते हैं ग्लोबल ऑफ शोर विंड अलायंस देखिए हवा है ना अगर आज के डेट में आप लोग कहीं पर है तो हवा क्या है वो ऐसा थोड़ा ना कि ये मेरी हवा है जैसे कहते हैं मेरी जमीन है मेरी हवा है ये मेरा सूरज है ठीक है ऐसा थोड़ा ना होता है वो सबका है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वो सबका सबका साथ और सबके विकास पर विश्वास करता है बेसिकली हवा तो हवा वो पाकिस्तान की भी है वो हमारी भी है ठीक है वही हवा जो है बांग्लादेश की भी है वही चाइना की भी है तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं तो हवा से जब हम लोग एनर्जी को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और इसमें अभी नए मेंबर जुड़ गए हैं बोला गया है कि नाइन नई कंट्री जुड़ गई हैं ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के अंदर में तो कौन कौन बेल्जियम कंबोडिया जर्मनी यूएसए यूके ये कई सारी कंट्री ने यहाँ पर जी ओ डब्ल्यू ए को ज्वाइन कर लिया है तो ये जो जी ओ डब्ल्यू ए को ज्वाइन कर लिया है समझ में आ रहा है ठीक है ये पार्ट बन गया इसका पर क्या इंडिया इसका पार्ट है हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस रेस्पेक्ट में पूछा जाता है कि इंडिया की क्या पोजिशन है उसको लेकर तो इंडिया जो है वो ऑल्सो मेंबर यानी कि हम भी इसके मेंबर हैं तो ये आप लोग याद रखिएगा ऑलरेडी हम लोग इसके मेंबर हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हम बहुत काम करते हैं हमारे देश में ऑलरेडी इन सब चीजों के ऊपर काम चल रहा है तो विंड एनर्जी अगर आज की डेट में आप लोग बात करें और सोलर एनर्जी ये इतना ज्यादा फोकस में क्यों है वो इसलिए क्योंकि लोग जो हैं वो किसी दूसरे लोग के ऊपर यानी कि दूसरी कंट्री के ऊपर अपने डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं मतलब मतलब ये है कि हम लोग आज की डेट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं दूसरे देश से उसके ऊपर डिपेंडेंसी है कल को चलकर उन्होंने मना कर दिया देने से तो फिर हमारी ये कैसी रोजी रोटी चलेगी हमारे यहाँ पर तो सारी गाड़ियाँ ठप पड़ जाएँगी सोचो जो मोटरसाइकिल कार वगैरह आप लोग जरा से देर में लेकर चलते हो देश में पेट्रोल और डीजल ही नहीं है तो क्या करोगे अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक चला लेंगे ठीक है इलेक्ट्रिक अभी इतनी अच्छे लेवल पर नहीं आए कि उससे हमारे देश चल जाए एक आधा घर चल रहा है वो अच्छी बात है पर लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा बहुत सारी चीज़ें अभी दिक्कत में हैं तो इसीलिए यहां पर ऐसे अलायंस बनाए जा रहे हैं ताकि इन चीजों को प्रमोट किया जा सके ये जो सिस्टम है पर्टिकुलर ये स्टेब्लिस किया गया था हजार बाईस के महीने में किसके द्वारा हाँ पर ये याद ये याद रखिएगा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि ग्लोबल ऑफ विंड अलायंस जो है ये किसका इनिशिएटिव है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये जो इनिशिएटिव है वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जिसको आप लोग आई आर ई एन ए ठीक है? तो इसका ये इनिशिएटिव है और ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट किया गया था जो खासकर इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर सेप्टेम्बर दो में डेनमार्क और इसी के साथ में डेनमार्क के अंदर में और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा मिलकर ये जो अलायंस है यहाँ पर इसका जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मिलकर काम करेंगे अच्छे लेवल पर यहाँ पर टारगेट है इनका कि आने वाले टाइम में हम लोग क्यों ना विंड एनर्जी को एक ऐसे लेवल पर लेकर जाएं जिससे कि दुनिया में पोल्यूशन को भी हम लोग कम कर सकें तो उसके ऊपर इनका काफ़ी फोकस है इसलिए यहां पर आप लोग देखते हैं 2030 तक के भी टारगेट इनके द्वारा रखे गए कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं ठीक है यानी कि 380 ये गीगा ये के हिसाब से लेकर चल रहे हैं और एटलीस्ट यहां पर 70 गीगा पर ईयर तो हो लेकर चलना ही चलना है इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है तो इनके द्वारा ये अलायंस बनाया गया था तो हम लोग इसका पहले से ही पार्ट है अभी यहां पर ये कंट्री और पार्ट बन गई है तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से बन गया तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और इन्वॉर्मेंट से रिलेटेड टॉपिक है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 अभी आप लोग यहाँ पर देखें तो उसके चलते भी यहां पर ये ऐसे टॉपिक साइड में काफी इंपोर्टेंस अपने लेकर चले जाते हैं ठीक है अभी यहाँ पर विंड एनर्जी की बात कर रही है अगर बात करें सोलर एनर्जी तो वो भी एक काफी इंपोर्टेंट पोर्सन यहां पर हो जाता है तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आता है विंड एनर्जी सोलर एनर्जी इसमें इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि आज की डेट में सोलर पैनल वगैरह जो हैं वो इतने महंगे आ रहे हैं और बाहर से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो क्या लगता है कि हम लोगों को इनके ऊपर काम करना चाहिए या फिर सस्ते में जो एनर्जी हमारे पास में हम लोग उसको यूज़ कर लें खरीद कर लेकर आ जाएं वो सस्ता हम लोग का काम चल रहा है दूसरे किन किन एरिया पर हम लोग फोकस कर सकते हैं क्यों हम लोग फालतू में इतना अपना खर्चा कर रहे हैं तो इसके ऊपर यानी कहने का मतलब ये है अगर इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे तो अगर कल को हम लोग इन पर काम नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन भी दूसरे के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट रहने वाली है तो भले ही स्टार्टिंग में आप लोगों का एफर्ट लगे पर आप लोगों को काम करना चाहिए ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को लगे यार अभी तो यहां पर चीजें शरीर ऐसा है बुढ़ापे में जाकर फिर भी खाट में बैठना है बैठना है चारपाई पर क्यों ही मेहनत करनी है क्यों ही एक्सरसाइज करनी है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जो चल रहा है उसको चलने दो ऐसे ही तो इस तरीके से तो फिर तो आदमी जो है वो बर्बाद ही हो जाएगा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा हमेशा तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में एफर्ट लगे एक्सरसाइज कर कर अपने वेट को कंट्रोल लेकर आना बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करना तो वो जरूरी है ऐसे ही यहाँ पर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं रहेंगे तो हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग रहेंगे ठीक है तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हिंदी और इंग्लिश में है आप लोग इसको देख लेना कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाता है एक पर्टिकुलर ऑथोरिटी के बारे में आप लोगों से यहां पर बात करूंगा और कोई भी ऐसी चीज बनाई क्यों जाती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी ये जो एन एफ आर ए आखिर बनाई क्यों गई है तो बहुत सारी चीजें थे आप लोग यहां से इस तरीके से समझ सकते हैं अगर उसका नाम आप लोगों को पता है तो उस नाम में से आप लोग चीजें निकाल कर ला सकते हैं यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी आप लोगों के सामने है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यहां पर यह है कि ये जो रिपोर्टिंग ऑथोरिटी है ये फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में देखेगी और अगर वो सही चल रही है या फिर गलत कर रही है उसके बारे में रिपोर्टिंग तैयार करेगी तो इसके बारे में बात की जा रही है सबसे पहले तो इनके द्वारा हाँ यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो ऑडिट क्वालिटी इंस्पेक्शन यहां पर किया जाता है कि हाँ कैसे चीज़ें चल रही हैं और फिर यहाँ पर ऑडिट करने के बाद बताया जाता है तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर ऐसा ऑडिट पब्लिश किया गया है ये जो पर्टिकुलर चीज है हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज हैं अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं तो 2018 में लगा कि यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए और कंपनी एक्ट हमारे देश में 2013 में लाया गया तो उसके चलते ऐसी बॉडी बनाएगी ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके आप लोग देखते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है पर लेकिन अगर वो चीजें डूब रही हैं उससे पहले हम लोग उसको बचा लें तो वही बात होगी जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यानी कि कोई भी बीमारी होने से पहले हम लोगों ने वैक्सीन लगवा ली ताकि बीमारी होने के बाद में दवाई ना खानी पड़े मेडिसिन ना लेने पड़े तो वैक्सीन का काम करना है यहां पर इसीलिए यहां पर ये यह चीजें बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वही अपॉइंट कर रही है यहां पर इसका चेयरपर्सन और पंद्रह मेंबर भी हैं जो कि मिलकर यहां पर काम करते हैं ये कहीं पर भी चीजों की जब पॉलिसीज होती हैं उनका ऑडिट करती हैं जो कंपनीज होती हैं उनका ऑडिट किया जाता है तो यहां पर इसका जो फंक्शन एंड ड्यूटीज है वो है किस तरीके से चीज़ें रिकमेंड करनी है और कैसे ऑडिट कर कर बताना है आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डेली आप लोग अपना एक शेड्यूल बनाते हैं तो आप लोगों भी अपनी ऑडिटिंग करनी चाहिए शाम को बिस्तर पर जाते हुए कि इतनी चीज़ें डिसाइड करी थी कि हाँ पॉलिटी पढ़ेंगे करंट अफेयर पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे इकोनॉमी पढ़ेंगे इतनी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों ने क्या अपना ऑडिट किया कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों ने अचीव किए तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये ऑडिट की बात की जा रही है तो ऑडिट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है चेक करना जरूरी है कि ऑडिट नहीं करेंगे तो आप लोगों को कमियाँ ही पता नहीं चलेगी कहाँ कहाँ पर नेगेटिव हैं और कहाँ पर आप लोगों को इम्प्रूव करना है तो वो चीज़ें आप लोग को समझनी चाहिए मॉनिटर करना या फिर इन्फोर्स करना जो कंप्लायंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए रखना देश के अंदर में तो इसके ऊपर फोकस रहता है एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि सोशल ऑडिट उसमें क्या होता है आप लोगों के मोहल्ले में खड़नचा बन रहा है या कोई रोड बन रही है और वहां पर कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हाथों से सड़क उखाड़ कर फेंक दी उस इंसान ने क्यों क्योंकि वो ऐसी ही सड़क बनाई थी ठेकेदार ने तो अगर अच्छा ऑडिट वहां पर हो बेसिकली वहां पर जो लोग हैं वो भी उसके ऊपर ध्यान दें तो जिस दिन वो ठेकेदार सड़क बना रहा था उसी दिन अगर ढंग से उस चीज़ का ऑडिट हो जाता तो ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को नहीं मिलती तो ये ज़रूरी है कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और उससे आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिलेगी और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा और इनडायरेक्ट वे में बोलूँ कोई भी सड़क कोई भी बांध कोई भी कोई स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई आप लोग के आसपास में बन रहे हैं सरकार के पास में अलादीन का चिराग नहीं है कि उसको घिसकर वो पैसे लेकर आ रही है इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो आप लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है वो इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है मतलब या तो आप लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या कंपनी कॉरपोरेट टैक्स पे कर रही है अगर वो नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे ही कर रहे हैं आप लोग ये लेक्चर देखने के लिए जो रिचार्ज करा रहे हैं उस रिचार्ज के ऊपर भी आप लोगों ने टैक्स पे किया है जिनको ये लगता है ना कि हम लोग टैक्स पे नहीं करते हैं एक छोटा सा बच्चा है ना उसके लिए हगीज लेकर आप लोग आ रहे हो ठीक है किसी छोटे से बच्चा जो पैदा हुआ आज ही ठीक है वो भी टैक्स पे करना स्टार्ट कर चुका है इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो तो हर एक इंसान जो है वो देश के अंदर में टैक्स पे कर रहा है तो आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए बिकॉज आप लोगों की मनी है टैक्स पेयर है आप लोग और आप लोगों की मनी कैसे यूटिलाइज हो रही है ये आप लोगों को जरूर फोकस देना चाहिए तो एक जागरूक एक आप लोगों को बेसिकली एक भारतीय नागरिक बनना चाहिए ठीक है आई होप कि आप लोग समझे होंगे इस ऑथोरिटी के बारे में कब कब बनाई गई और क्या क्या बातें हैं तो सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए ओके दोस्तों जिंदगी में प्यार मोहब्बत कोई गलत चीज नहीं है पर लेकिन गलत इंसान के साथ में प्यार मोहब्बत गलत चीज है ये आप लोग ध्यान रखिएगा अगर वो इंसान जो कि आप लोगों की कदर नहीं कर रहा है वो इंसान जो कि आप लोगों को समझ नहीं रहा है और वो इंसान जो कि आप लोगों को टाइम पास समझ रहा है उस इंसान के साथ में रहने का कोई मतलब बनता नहीं है अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों से कल एक केस शेयर किया था यहाँ पर कि घर में हस्बैंड की डेथ हो गई है उसके बाद में वो पढ़ना चाहती हैं तो वो सारी बातें मैंने आप लोगों से बताई अभी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये केस मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था ऐसे फैमिली मेम्बर है जिनके द्वारा यहाँ पर ये बताया गया था कि सर एक लड़का है जो ज़िंदगी में आता है बार बार चला जाता है फिर आता है फिर चला जाता है कभी मैं बोलती हूँ छोड़ दे तो बोलता है कि दोस्त बनकर रहते हैं वो बस आपका यूटिलाइजेशन कर रहा है एक तरीके से यूटिलाइजेशन वर्ड यहाँ पर सही नहीं रहेगा वो फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हो ठीक है ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए पता है ये चीज़ें बोलनी आसान है जिस इंसान के साथ में आप लोग टाइम बिता लेते हो ना आप लोग की बेसिकली फीलिंग अटैच हो जाती है कुछ मेमोरीज बन जाती हैं पर लेकिन टाइम के साथ में ये सारी चीज़ें सुधर भी जाती हैं टाइम पर ट्रस्ट करना सीखो जैसे जैसे वो इंसान आप लोगों की जिंदगी में आ रहा है आप लोगों को लगता है कि बस वही जिंदगी है पर लेकिन एक बार थोड़ा सा अपने घर वालों मम्मी पापा के बारे में सोचकर देखो उन्होंने किस तरीके से आप लोगों को यहां तक पाल पोस कर वो लेकर आए और कल को चलकर अगर कोई इस तरीके की जिंदगी आप लोगों की हो जाती है जैसे फ्रिज में मारकर उसने बंद कर दिया क्या वो सही चीज है फिर तो एक तरीके से अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली बात है ऐसे इंसान को लात मारकर जिंदगी में से भगाओ और यहाँ पर कोशिश करो कि अपने आप को डाइवर्ट करने की और वो तरीका है अपने पढ़ाई पर फोकस करना अपने गोल को रिकॉल करना अपने आप को उसके लिए मोटिवेट करना जितना सारी चीज़ें आप लोगों के पास में उस इंसान से रिलेटेड अपनी जिंदगी में से निकाल के फेंक दो क्योंकि जितनी चीज़ें आप लोगों को दिखती रहेंगी उतना ही आप लोग चीज़ों को रिकॉल करते रहोगे यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया सर मैं मम्मी के सामने चुप चुप रहती हूँ बोलती नहीं हूँ तो फिर वो बोलती हैं क्या हो गया तो ये चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलती हैं जब ब्रेकअप होता है इंसान जो होता है ऐसा आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में कई बार कि क्या कंडीशन हो जाती है बड़ी बड़ी दाढ़ी बना ली लिए महा, महात्मा जी बाबा जी बन गए तो पर लेकिन आप लोगों को यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है और देखिए थॉट को ना कभी आप लोग रोक नहीं सकते हो बहुत कम टाइम के लिए रोक सकते हो अगर रोक भी पाओगे हमेशा थॉट को आप लोग गाइड करो तो ज़्यादा आसानी रहेगी ठीक है महात्मा नहीं बनना है कि आप लोग अपने विचार रोकने हैं नहीं विचार आने दो उनको जाने दो उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल मत करो बस अपने विचारों को एक नई डायरेक्शन दे दो यानी कि नई चीजें दे दो उनको सोचने के लिए जो चीज़ आप लोगों को पसंद आती है वो करो अपना दिल हमेशा अपने काम में लगाना सीखो मुझे पूरे दिन भी कोई बोले ना मुझे काम करना है बैठ के मुझे कोई दिक्कत नहीं होने की है ठीक है आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि हमेशा अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहो रिजल्ट भी शानदार मिलेगा पर लेकिन लोगों के लिए डेडिकेटेड रहोगे तो जिस दिन इंसान ज़िंदगी में से जाएगा उस दिन टूट जाओगे संभलना मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी में ये बात ध्यान रखना और एक तरीके से ज़िंदगी बर्बाद करके बैठ जाओगे तो कोई भी ऐसा इंसान अगर जिंदगी में है जिससे आप लोग की लाइफ में प्रोग्रेस नहीं आप लोग की लाइफ में चीजें घट रही हैं आप लोगों की लाइफ जो है और नीचे को जा रही है बर्बाद होती जा रही है एक मिनट सोचे बगैर उस इंसान को छोड़ देना वरना आगे छोड़ोगे तो और पछताओगे और फिर आगे पछताओगे तो फिर और ज्यादा दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलने वाली है आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी और ये जिस भी इंसान के साथ में प्रॉब्लम है ये फिर से बता रहा हूं आसान नहीं होती है छोड़नी पर लेकिन छोड़ना ही सही उस टाइम पर आप लोगों के लिए सजेशन है वरना दिक्कतें रहेंगी एज निकल गई करियर बर्बाद हो गया वो पूछने वाला नहीं है फिर जो भी होगा लड़का हो चाहे लड़की ये ध्यान रखना ओके कोई इंसान अगर आप लोगों के हाथ में सीधे तरीके से न पड़े तो शाम दाम दंड भेद लगाकर उस इंसान को कंट्रोल करने का तरीका जो है वो खोज लेना चाहिए यही टॉपिक यहां पर आप लोगों को ये बताता हुआ नजर आएगा मतलब क्या है अभी आप लोगों को समझाऊंगा आप लोग अगर मेरे साथ में थोड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं थोड़े लंबे क्या मतलब कुछ ही दिनों पहले ही मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से मैथेन प्लेज के बारे में जिसको मैंने ग्लोबल मैथेन प्लेज बोला था यानी कि कैसे मैथेन यानी कि सी एच फोर को ख़त्म करना है उसके ऊपर एक प्रतिज्ञा ली गई थी और उसमें ये बोला गया था कि यहाँ पर सबको इसका पार्ट बनना चाहिए और ख़ासकर मैंने जब मैथेन के बारे में आप लोगों से बात की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मैथेन प्लेज यहाँ पर लॉन्च की गई है कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है और उसके रीज़न ये भी है क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर बेस हैं बहुत सारे पशु जो है हमारे देश में हैं जिससे मैथेन जो है उसका उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम इसका पार्ट बनेंगे तो हम अभी प्रॉपर ग्रोथ में आए भी नहीं हैं हमारी ग्रोथ जो है वो हैम्पर होना स्टार्ट है हो जाएगी इतना बेस पता आप लोगों को अब उससे आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि रिसेंटली अभी जो अभी आप लोगों को देखने को मिली कहां पर ये थी इजिप्ट के अंदर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 तो जो 27 सेवन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सरम अल सेक इजिप्ट के अंदर में हुई यहां पर एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर काम करने की बात की गई जिसको बोला गया मेथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम इसका नाम आप लोग याद रखिएगा मेथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम मेथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया जिसमें कितनी मेथेन निकल कर आ रही है उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा यानी कि जो देश मेथेन को निकालेगा ज्यादा उस देश के ऊपर उंगली पॉइंट किया जाएगा कि देख तुमने हरकतें कर दी हमने बोला था कि तुमको ये हरकतें नहीं करनी है। तो इंडिया ने ग्लोबल मेथेन प्लस यानी कि जो प्रतिज्ञा ली थी उसका पार्ट बनने से मना कर दिया तो तुम वैसे पार्ट नहीं बनोगे तो तुम तुम्हारे ऊपर कम से कम नजर तो हम लोग रखेंगे ना कि तुम मेथेन निकाल रहे हो तो जब जब तुम यहाँ पर ये मेथेन निकालोगे तब तब हम जो है तुम्हारे नाम का ढिंडोरा पीटेंगे दुनिया के अंदर में कि तुमने जो है ऐसी कुछ हरकतें की है और तुमको फोर्स करेंगे कि कैसे तुमको मेथेन को कट करना है यानी कि अगर कोई इंसान सीधे सीधे इस तरीके से नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने का उसको एक तरीके से सप्रेस करने का एक नया तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं जो कि यहाँ पर खोज लिया जाता है इसी का नाम दिया गया है मैथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में यहां पर ये जो सिस्टम है अभी लॉन्च किया गया है यहाँ पर यह अलर्ट देगा कौन सी गवर्नमेंट कौन सी कंपनी कौन सा जो बेसिकली कॉपरेट यहां पर मैथेन का सोर्स है और किसकी वजह से यहां पर यह काम चल रहा है और कैसे उसको कंट्रोल करना है मेथेन के ही ऊपर फोकस क्यों है मेथेन में ऐसी क्या दिक्कत है और खासकर वो देश जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड देश हैं, उनको इससे काफी दिक्कत होती है मतलब वहां पर काफी ज्यादा निकलते हैं तो इसलिए यहां पर उनके ऊपर और निगरानी रखी जाएगी मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सीओ जो है वो आज की डेट में इन्वाट को गर्म करती है और जैसे जैसे इन्वायरमेंट को गर्म करती है वैसे वैसे धरती पर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं जैसे कि ओशन का लेवल बढ़ गया ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट हो गए बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं तो इसकी वजह से बहुत सारी खेती जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है बहुत सारे ओशन के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनकी कहानी खराब हो रही है ये सारी दिक्कतें कार्बन डाइऑक्साइड के होने से होती है पर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जब मेथेन यानी कि सी के साथ में कंपेयर करते हैं तो यहां पर कार्बन डाई ऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा गर्म करने वाली गैस है ये तो सोचो जो प्रोसेसर चल रहा है फिलहाल के टाइम पर उसका 80 गुना तेज हो जाता है अगर मार्केट में मेथे निकल कर आती है तो इसलिए जो यहाँ पर मेथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम है वो वैसे देखा जाए तो एक पॉजिटिव सिस्टम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेथेन को कंट्रोल करने का काम करेगा जो मेथेन निकालेगा उसको यहाँ पर कंट्रोल करेगा तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन इन्वोर्मेंट प्रोग्राम के द्वारा इंटरनेशनल मेथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ये एक बनाई गई जिसके थ्रू मेथेन को रिड्यूस करना है और मेथेन को कंट्रोल करना है तो ये जो मुद्दा है मेथेन को कंट्रोल करने का ये बेसिकली आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहां से चीजें जो हैं वो इस पैटर्न में लेकर चला जाएगा ताकि चीजें जो हैं वो सुधर सके क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम पर जो आज की डेट में इनवरमेंट के अंदर में जो मेथेन है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से काफी लार्ज स्केल पर क्रिएट हो रही है यानी कि इंसान हम जैसे इंसान जो हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से मेथेन जो है वो काफी ज्यादा निकल कर आ रही है तो उस मेथेन को कंट्रोल करना है यहां पर आप लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टॉप पर है दूसरे नंबर पर मेथेन ही देखने को मिलेगी तो इस मेथेन को यहां पर खत्म करना है करेंटली ओनली टू परसेंट जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस है वो मेथेन के लिए जाता है तो यहां पर पैसा भी देना पड़ेगा बिना पैसे के काम नहीं चलेगा और मेथेन पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा है जबकि ये इतनी ज्यादा खतरनाक है तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो भी लीकेज होती है ऑयल या गैस इंडस्ट्रीज की उसमें काफी बड़ा दिक्कत यहां पर निकल कर आती है और ग्लोबल मेथेन प्लिज जब यहां पर लिया गया उसमें बोला गया कि मेथेन एमिशन जो है वो इंक्रीज होगा आने वाले टाइम में लगभग थर्टीन परसेंट दो हजार तीस तक का अगर मैथेन की जो प्रतिज्ञा ली जा रही है उसके ऊपर फोकस नहीं दिया गया तो मतलब क्या है इसके कहने का आप लोग ये सोचो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में निकल रही है वो क्या इंपैक्ट डाल रही है वहां पर अब जो मेथेन निकलेगी वो क्या इंपैक्ट डालेगी तो वो एक ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी इसीलिए मेथेन के ऊपर फोकस देना जरूरी है और इंडिया के अंदर में जो पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को यहां पर बेसिकली फोकस देने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी यहां पर इसके ऊपर इस चीज को काफी ज्यादा सतर्क तरीके से यहां पर देखा जा रहा है तो यहाँ पर मेथेन के लिए अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अच्छा खासा यहाँ पर पैसा मिलना चाहिए अगर इसको कंट्रोल करना है एटमोसफेयर के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है और इसके अंदर में जो सी एच फोर ये इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा काफ़ी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पर ये यानी कि वो गैस जो कि इन्वामेंट को नुकसान पहुँचाती है काफ़ी लार्ज स्केल पर है क्या हमारे देश में इसको लेकर कोई इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं यहाँ पर लिए गए हैं बहुत सारे जैसे हरित धारा हो गया इंडियन ग्रीन गैस प्रोग्राम हो गया इस ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया और हमारे देश में तो यहाँ तक भी किया गया भारत स्टेज हम लोग फोर से सीधे सिक्स पर जंप कर गए यानी कि फाइव को हम लोगों ने बीच में साइड में कर दिया तो यहाँ तक भी आप लोग इसको समझ सकते हैं तो बहुत ही एक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है ऐसा नहीं कि इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं पर लेकिन जितना चाहती है दुनिया कि हम लोग इसके ऊपर काम करें उसकी वजह से हमारा ग्रोथ भी रुक सकता है ओशियन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं यहाँ पर कई सारी चीजों के लिए उससे मेथेन के साथ में भी तो मेथेन हाइड्रो जो भी, मेथेन हाइड्रेट जो डिपॉजिट है वो आप लोगों को ओशन के फ्लोर पे देखने को मिलेंगे यहां पर काफी लार्ज स्केल पर तो इसलिए कहते हैं कि अगर समुद्र के अंदर में कोई जाकर खुदाई कर रहा है और वहां से कोई किसी तरीके का प्रोडक्ट निकाल के लेकर आ जाए वहां से मेथेन रिलीज होने के चांसेज काफी ज्यादा होते हैं तो कोई भी अगर ड्रिलिंग की जा रही है वहां से मेथेन निकलने के चांसेज होते हैं आप लोगों को मैंने बताया था फ्रोस्ट के बारे में कि जब यहाँ पर एक तरीके से जो नहीं जो ऊपर जमीन के ऊपर यहाँ पर बेसिकली मिट्टी है उसके नीचे बर्फ जमी हुई है तो उसको जो नीचे की बर्फ पिघलने लगती है यहाँ पर और फिर वो मिट्टी नीचे धसने लगती है उसमें से भी काफी लार्ज स्केल पर मेथे निकलती है मेथेन के बारे में बात करें तो यहां पर एक बायोलॉजिकल जो सोर्स है वहां से मेथेन निकल कर आती है कोई नॉन बायोलॉजिकल ज्वालामुखी फट गया वहां से मेथेन निकल कर आ रही है केमिकल डिग्रेडेशन हो रहा है तो मेथेन निकल रही है और माइक्रो जो माइक्रोबेल कंजप्शन रहा है वहां से मेथेन निकल रही है तो मेथेन जो है वो ये सारे प्रोसेसर हैं जहां से मेथेन निकल कर आती है तो इसीलिए मेथेन के ऊपर कंट्रोल रखने की बात की जा रही है अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान यहां पर यह पहुंचाने वाली है तो सबको मिलकर पार्टिसिपेट यहां पर करना पड़ेगा सबको मिलकर यहां पर अपने अपने रीजन में रिन्यूएबल चीजों पर फोकस करना पड़ेगा इस तरीके से यहां पर चीजें ध्यान में रखी रखी जा रही है ठीक है तो इसलिए ग्लोबल लेवल पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया मेथेन प्लेज हो गया यहाँ पर ग्लोबल मेथेन इनिशिएटिव हो गया और इंडिया के लेवल पर जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई है वो आप लोग याद रखिएगा तो ये ग्लोबल लेवल पर है और ये इंडिया के लेवल पर है जो यहां पर मेथेन को कंट्रोल करने के लिए टारगेट यहां पर रखे जा रहे हैं ताकि मेथेन को यहां पर कंट्रोल रखा जा सके फिर से बता रहा हूं ग्लोबल मेथेन प्लेज जो प्रतिज्ञा थी वो लॉन्च की गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर में जो कि ग्लासगो के अंदर में हुई थी तो ये इसको कंफ्यूज मत करना जो अभी रिसेंटली यहां पर जो मेथेन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं ये जो अभी लॉन्च किया गया यहां पर ये आप लोग याद रखिएगा मेथेन अलर्ट जो सिस्टम ये रेस्पॉन्स सिस्टम है ये लॉन्च किया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के अंदर में जो कि इजिप्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रही है तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में अगर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए क्लियर रखना है इसको और कई सारे क्वेश्चन आप लोग गलत होने से बच सकते हैं यूनाइटेड स्टेट इन्वॉर्मेंट जो यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन के द्वारा ग्लोबल मेथेन प्लज लाई गई थी यानी कि दो जो यहां पर बेसिकली इक्कीस में अभी दो में यहाँ पर जो लेकर आई गई है यहाँ पर तो ये एक अलग पैटर्न में है यहां पर ये याद रखेगा यूएन का जो इन्वॉर्मेंट प्रोग्राम है उसके थ्रू यहाँ पर ये काम किया जा रहा है प्रॉपर एक सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया जाएगा ताकि इन सब चीजों को चेक किया जा सके ठीक है तो ये है यहां पर इसकी कहानी मेथेन की जो कि आप लोगों को मैंने बताई इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बनाया गया यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि नीड टू रिड्यूस द ग्लोबल मेथेन एमिशन एंड यूज मेथेन एज ए क्लीन एनर्जी सोर्स तो ये आप लोगों को यहां पर इसको एक्सप्लेन करना है काफी प्यारा क्वेश्चन बन जाता है अभी यहां पर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है इसे ये पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने ये आर्टिकल को सुना है कोई भी जीव जंतु से रिलेटेड कोई चीज है, है यहाँ पर समुद्र या पृथ्वी से रिलेटेड कोई चीज है यहां पर जहां पर ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वहां पर मेथेन आप लोगों को मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं ठीक है तो यहां पर मेथेन हाइड्रेट के बारे में बात की जा रही है स्टेटमेंट दे दी गई दो में यूपीएससी के द्वारा और बोला गया सही आंसर आप लोग बताइए ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द एक तरीके से देखिए अगर बात करें ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो किसी पर्टिकुलर गैस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इससे मेथेन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी और बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं तो बोला गया कि मेथेन गैस ठीक है तो यहां से रिलीज हो रही है पहली स्टेटमेंट जो भी डिपोजिट है यहाँ पर मेथेन हाइड्रेट का सी फ्लोर जो मैंने अभी समुद्र के अंदर बताया ठीक है और मेथेन जो है वो एटमोसफेयर में भी आप लोग ऑक्सीडाइज होती है यहाँ पर नजर आती है तो ऑक्सीडाइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है आफ्टर ए डिकेड और द टू ठीक है इसलिए कहते हैं मेथेन मार्केट में या फिर इन्वॉर्मेंट में ज्यादा देर तक नहीं रहती है ये अच्छा है जिसकी वजह से चीजें नॉर्मल है वरना अब तक जो है पृथ्वी आग का गोला बन चुकी होती तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया 2019 में इनके नाम आप लोग को पता होना चाहिए तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कार्बन मोनो ऑक्साइड को यहाँ पर सी बोलते हैं मेथेन को यहाँ पर सी बोलते हैं ओजोन को यहाँ पर ओ बोलते हैं और सल्फर डाई को यहाँ पर सी बोलते हैं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड को एसोटू बोलते हैं ठीक है तो ये सारी बोला गया कि आप लोगों को ये बताना है कि रिलीज होती है में बर्निंग क्रोप और या फिर बायोमास जो रेजु, रेजु, रेजु जो रेजिड्यू है यानी कि भी आप लोग बेसिकली यहां पर दलहन से रिलेटेड जो फसलें हैं या फिर जो भी अवशेष आप लोग जलाते हैं उनमें से चीजें निकलती हैं तो याद रखिएगा ये सारी गैस जो है यहां पर इसके जलने से निकलती हैं तो आंसर यहां पर डी हो गया ये सारी वो चीजें हैं जो नॉर्मली आप लोगों ने कई बार पढ़ी हुई हैं कि हां किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस जो है एमिशन जो बढ़ता है और उसके बेस पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं और खासकर जब ऑर्गेनिक चीजों को हम लोग जलाते हैं ठीक है बायो बायोमै जो बायो मास हो गया ना जो इस एक क्रोप हो गया रेजिड्यू तो उसके बारे में बात की जा रही है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है तो क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे भी पूछे जाएंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को पढ़ाया भी है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है बोला गया ग्लोबल मेथेन प्लेज के बारे में लॉन्च की गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी जो सिक्स थी यहां पर 2021 में यहां पर ताकि रिड्यूस किया जा सके मैथेन के एमिशन को पहली स्टेटमेंट यहां पर यह बोली गई है ठीक है दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि 111 कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया एक साथ में यहां पर जो कि रेस्पॉन्सिबल है मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन जो कोज मेथेन एमिशन का दूसरी स्टेटमेंट में यह बोला गया इंडिया इज नोट ए पार्ट ऑफ ग्लोबल मेथेन प्लिज तो यहां पर तीसरी स्टेटमेंट ये बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को ये बताना है ओनली 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 और 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 या फिर ऑल ऑफ द अबो तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है सही आंसर है यहां पर सी क्योंकि यहां पर मोर देन हाफ नहीं है ये लेस देन हाफ आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो याद रखेगा यहां पर ये लेस देन हाफ है आप लोगों को लगभग 45 परसेंट के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है बाकी इंडिया जो है वो पार्ट नहीं है तो ज़्यादा होने का मतलब भी नहीं बनता है क्योंकि इंडिया जो है तो टॉप तो फाइव जो मेथेन एमिटर है उनमें से एक आप लोगों को नजर आएगा और टारगेट इनका ये है कि दो जो तीस तक का ये उस लेवल पर मेथेन को लेकर आए जिस लेवल पर मेथेन जो है वो दो में थी तो ऐसे भी टारगेट इनके द्वारा यहाँ पर रखे जा रहे हैं ताकि मेथेन को कंट्रोल किया जा सके तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेथेन के बारे में और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा रखा है तो यहां से पता चलेगा कितनी चीजें आप लोगों को याद है बोला गया है कि यहां पर वेरी स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है अर्थ के एटमोसफेयर में मेथेन यानी कि सी एच फोर दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इसके अंदर में फोर कार्बन के आइटम है और वन हाइड्रोजन का आइटम है तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये ब्रोकडाउन होती है डीके होती है ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसमें से निकलती है और यहाँ पर ये ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा निकलती है ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री या फिर नन ऑफ कौन सा आंसर है आप लोग के हिसाब से याद रख लेना इनकरेक्ट लिखा हुआ है इससे पहले कि आप लोग जो है जाल में फंसो ठीक है <laughs> तो सही आंसर क्या है सही आंसर है यहाँ पर बी दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जल्दी जल्दी हो जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सही स्टेटमेंट है कार्बन के आइटम चार हैं और हाइड्रोजन के जो है एक है ऐसा बोला गया जबकि अपोजिट है कार्बन का एक है और हाइड्रोजन के चार है स्टेटमेंट गलत होगी कभी भी ओनली ऐसी चीजें लिख रहे हैं ना तो ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली अभी मैंने इन्वॉयरमेंट बताया आप लोगों को ज्वालामुखी फट रही है तभी भी यहाँ पर जो है मेथेन निकल रही है तो ओनली ह्यूमन कैसे हो सकते हैं यहां पर तो ये वो स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों को बताती है कि हाँ किस तरीके से आप लोगों को चीजों को सोचना है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ताकि चीजें आप लोग याद रख सको ओके नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मेथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम के बारे में तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को यहां पर बताना है काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर सबसे पहले बोला गया कि लॉन्च किया गया 26 सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि यहां पर सरम अल सेख इजिप्ट के अंदर देखने को मिल रही है दूसरे यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर जो ये एम ए आर एस ये न्यू सेटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि विल नाउ असिस्ट द गवर्नमेंट इन डिटेक्टिंग द एड्रेसिंग द मेथेन एमिशन दूसरा ये बोला गया तीसरा बोला गया कि यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से ये एक तरीके से फिट किया जाएगा कि रिसेंटली जो फॉर्म किया गया है इंटरनेशनल मेथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी बाय द यू ठीक है तो ये यहाँ पर बोला गया तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है ये ट्वेंटी सेवन कॉन्फ्रेंस हो जाएगी अगर देखा जाए तो और यहाँ पर यू, मैंने यू एन प्रोग्राम बोला था ना कि डेवलपमेंट प्रोग्राम तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट होगी तो करेक्ट ओनली क्या होगी ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो कि उसका बेसिक भी पता चल जाए उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए आंसर राइटिंग भी हो जाए और किसी को पढ़ा भी सको तो किसी को पढ़ा सको उस लेवल पर चीजें आप लोगों को तैयार करनी है अब कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना उसको दूर किया जाएगा ओके G20 ट्वेंटी सम्मिट ये एक ऐसी समिट है जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा रंगाराम समारोह के साथ में इनोग्रेट की गई यहां पर बाली इंडोनेशिया के अंदर में और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो कि एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हैं यानी कि रसिया इसी के साथ में यू ये लोग भी आप लोगों को आमने सामने खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं ठीक है इन रियलिटी अगर कोई जी सबमिट के बारे में आप लोगों से बात करें तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज़ बनाई क्यों गई थी तो उसी से रिलेटेड आप लोगों के सामने क्वेश्चन है आपका ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड भी कर सकें और इसी के साथ में क्वेश्चन का आंसर भी दे सकें बोला गया कि जी ट्वेंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सस्टेनेबल एक दुनिया होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ग्रोथ होना चाहिए तो उसके ऊपर फोकस करने के लिए यहां पर ये पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया था यानी कि स्थायी विकास और वित्तीय स्थिरता ये दो मेन मुद्दे थे इसके पर लेकिन कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोग जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई ग्रुप बनाते हैं वो छोड़कर उसमें सारे काम करते हुए हम लोग नजर आते हैं तो इसलिए हाँ पर इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं यहां पर जी ट्वेंटी के बारे में तो याद रखिएगा ये सत्रवा ये एक जी ट्वेंटी की मीटिंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सत्रवा यहां हाँ पर इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिल रहा है अट्ठारहवा जो है वो हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है यानी कि जो अभी हो रहा है अठारवा हमारे देश में आप लोगों को नजर आएगा दो हजार तेईस के अंदर में तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहां पर जो इसका एक फोकस एरिया रखा गया यहां पर बोला गया है रिकवर टूगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉगर यानी कि कोविड नाइनटीन आया रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो क्यों ना मिलकर एक साहस के साथ में उससे हम लोग बाहर निकले और इसी के साथ में और स्ट्रोंग तरीके से हम लोग आगे बढ़े उसके ऊपर फोकस यहां पर देकर चला जा रहा है जिसको याद करने में दिक्कत होती है तो याद रखिएगा जी ट्वेंटी में टोटल मिलाकर उन्नीस तो देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन ग्रुप है तो ये मिलाकर टोटल ट्वेंटी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जिसमें जर्मनी रसिया यूएसए यूके ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान इंडिया सऊदी अरेबिया इंडोनेशिया तुर्की ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना ब्राजील साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया कनाडा, फ्रांस चाइना इटली और मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन तो इसीलिए गुरु जी सीता अब एस एस सी एफ सी आई में तो ये एक एक्रोनिम भी यहाँ पर आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया था तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको आप लोग याद रख सकते हैं वैसे अगर देखें तो ये भी आप लोगों के लिए एक याद करने का अच्छा तरीका है जी ट्वेंटी में कौन कौन सी कंट्री आती है और जी एट में कौन सी आती है जी सेवन में कौन सी आती है तो यहाँ पर पहले जी एट था अभी यहाँ पर रशिया को इसमें लतिया कर बाहर निकाल दिया अब यहां पर क्या हो गया अभी ये जी सेवन रह गया वैसे बताऊं तो पहले भी जी सेवन ही था रसिया इसमें एक्स्ट्रा आकर जुड़ा था ठीक है और फिर से अभी ये जी सेवन ही रह गया है ट्वेंटी सिक्स ऑफ सेप्टेबर नाइनटीन नाइनटी नाइन में बनाया गया था लगभग बाईस साल यहां पर आप लोग बोल सकते हैं इसको पूरे हो चुके हैं ये इसकी सम्मिट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है जिसमें कंट्री के लीडर मिलते हैं जिससे मोदी जी आप लोगों यहाँ पर सम्मिट में नजर आए इंडोनेशिया के हाथ में भी पावर है यहां पर अब इंडिया के हाथ में यहां पर ये आने वाली है ये लीडर हैं जो आप लोगों यहां पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे अभी जो इंपोर्टेंट मुद्दा है वो यह है कि जो चीज जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई गई है उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए अगर यूटिलाइज किया जाए तो वो बेहतरीन रिजल्ट देती है मतलब अगर आप लोगों का सोने का टाइम सोने का रखो खेलने का टाइम खेलने का रखो इंटरटेनमेंट का टाइम इंटरटेनमेंट का रखो तो अच्छा रहेगा पर अगर सोने के टाइम खेलना और खेलने के टाइम खाना और खाने के टाइम नहाना उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कतें आएंगी तो इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीटिंग में जो मुद्दे हम लोगों ने डिसाइड किए थे उनको छोड़कर अभी रशिया के एग्रेशन को कंडेम किया जा रहा है पहले तो रशिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है ठीक है जो कि नहीं देना चाहिए था यानी कि एक ऐसा मुद्दा है कि रशिया को यहां पर कंडेम किया यूक्रेन के, के मुद्दे को लेकर इसी के साथ में यहां पर ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज डिजिटली कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हेल्थ ये वो मुद्दे हैं जो कि यहां पर काफी इंपोर्टेंट तरीके से जिनके ऊपर फोकस यहां पर किया गया यानी कि जी ट्वेंटी में कई सारे ऐसे मुद्दे भी अभी आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं ठीक है तो यहां पर रसिया का एग्रेसन सबसे टॉप पर रखा जाता है आज की डेट में चाहे कोई भी मीटिंग क्यों ना हो जाए क्योंकि यूएस से चाहता है उसको डिस्कस किया जाए तभी तो रसिया के ऊपर यहां से प्रेशर बनकर आएगा तो रसिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए यूएस हर एक प्लेटफॉर्म को उस हिसाब से यूटिलाइज करना चाह रहा है ठीक है तो ये आप लोग यहां पर याद जरूर रखिएगा वैसे अगर बात करें प्रेशर कैसे बना सकते हैं वो आप लोग समझ सकते हैं कि जो जी ट्वेंटी है यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कंट्री यानी कि उन्नीस कंट्री और जो यूरोपियन यूनियन है यहां पर इसमें रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के भी देखने को मिल जाते हैं तो इतना बड़ा ग्रुप अगर रशिया के अपोज में हो जाए तो यहाँ पर रसिया को एक तरीके से घुटनों पर लाया जा सकता है इसलिए कोशिश की जाती है यूएसए के द्वारा कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम कांड करके जाए ताकि रसिया को दिक्कतें देखने को मिले यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर रसिया को कट करना चाहता है यूएसए ऐसा आप लोग बोल सकते हैं उन्नीस में अगर आप लोग बात करें जब फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला उस टाइम पर लगा कि यार कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां पर बैठ हम लोग बातें कर सकें पर लेकिन अब यहाँ पर एक अलग ही मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है इंटरेस्टिंग है, है क्वेश्चन हो रही है, है इटली इंडोनेशिया और इंडिया है जैसे यहां पर ये इंडोनेशिया से जो मिसाल इंडिया के हाथ में आ जाती है इटली यहां से गायब कर दी जाएगी और इसके आगे हम लोग आई आई बी लगाने वाले हैं अब ये बी कौन सा आने वाला है ये आप लोगों को बताना है ठीक है दुवाई थर्ड जो ग्लोबल पॉपुलेशन है दुनिया की वो इसके अंदर में है यहां से आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है जी जिसके अंदर हर एक कंट्री चाहती है कि अपना जो है किसी न किसी तरीके से कनेक्टिविटी बनाए रखे पिचासी प्रतिशत ग्लोबल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 80 प्रतिशत जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है और पिछहत्तर प्रतिशत जो ग्लोबल ट्रेड है वो इन्हीं 20 देशों के अंदर देखने को मिलता है कहावत सुनिए कि आध्य में राम और आध्य में गाम तो वो कहावत यहां पर बिल्कुल सटीक बैठती है तो ये आप लोग समझ सकते हैं तो प्रेसिडेंसी जो है जो हमारे पास में आ रही है इसका मतलब ये हो गया इसका कोई परमानेंट और छोर नहीं है मतलब क्या एक तरीके से जिसके हाथ में प्रेसिडेंसी रहेगी वही यहां पर इसकी सारी चीजें देखेगा तो कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है इसका ठीक है हर साल लगभग दिसंबर में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है और रोटेटिंग तरीके से प्रेजिडेंसी रहती है जैसे पहले यहां पर इंडोनेशिया अब यहां पर इंडिया में उससे पहले इटली के यहां पर तो यहां पर ये समझ सकते हैं ठीक है फर्स्ट जी ट्वेंटी ये बर्लिन के अंदर हुई थी 1999 में, में जब फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने बताया ना उस टाइम पर यहां पर ये चीज़ें निकल कर आई तो जी ट्वेंटी देशों ने सोचा कि मिलकर इसका सॉल्यूशन करते हैं ठीक है तो इसके चलते यहां पर ये सारे जो हैं वो साथ में हैं ओके तो ये आप लोग याद रखिएगा बाकी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर भी आप लोग को बता ही देता हूं वरना फिर बोलोगे क्वेश्चन रह गया ये याद रखेगा दो में हमारे देश में होगी और दो में जो होने वाली है यहां पर याद रखेगा ये बात की जा रही है ब्राजील के अंदर में ठीक है डेट अभी मतलब एरिया कौन सा रहेगा सिटी कौन सा रहेगा अभी वो डिसाइड नहीं है पर हाँ ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी इससे पहले 2020 में यानी कि कोविड 19 के टाइम पर रियाद में थी 2019 में जापान में 2018 में अर्जेंटीना में ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं बेसिक क्वेश्चन अगर बन जाए तो कन्फ्यूज आप लोगों को नहीं होना है जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर कल को पूछा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो गया आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में अभी यहाँ पर एक और आर्टिकल आप लोगों से जी के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा उससे पहले आप लोगों को आंसर देना है जो दो में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया बोला कि चार कंट्री है यहाँ पर जी के अंदर में ठीक है तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो यहाँ पर ग्रुप है यहाँ पर फोर मेंबर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है इसका आंसर आप लोगों को देना है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों पर बता चुका तो ये आप लोग अटेप कीजिए जी ट्वेंटी ग्रुप के बारे में अगर बात की जाए तो बोला गया कि जी ट्वेंटी ग्रुप के बारे में ट्वेंटी कंट्रीज इन दिस ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलती है ग्रुप में एट्टी फाइव परसेंट जो है जीडीपी और टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन आप लोगों को नजर आएगी और ग्रुप का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है पहला दूसरा दूसरा तीसरा वन और थ्री या फिर ऑल ऑफ द अबो अभी क्या बताया बीस कंट्री नहीं यहां पर उन्नीस कंट्री है प्लस एक ग्रुप है तो आंसर क्या हो गया आंसर यहां पर बी हो गया तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आते हैं तो कंफ्यूजना आप लोगों को नहीं है बिल्कुल भी अगर कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाएंगे ओके आंसर राइटिंग जरूर करना आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक आर्टिकल से आप लोग करनी है अगर कोई आंसर पूछा जा रहा है आप लोगों से लिखने के लिए क्वेश्चन के अंदर में तो उसको सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को समझना पड़ेगा उस तरीके से आंसर करना है ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए ठीक है तो ये बेसिक चीजें होगी बाकी यहां पर ये तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे ही और कहां पर करना होता है वह आप लोगों को पता ही है टेलीग्राम के ऊपर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां पर बात करूंगा अब यहां पर अब क्या हुआ है ठीक है तो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वो है धर्मेंद्र प्रधान तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो रिसेंटली अभी यहां पर एक पर्टिकुलर कंट्री में गए जिसका नाम है इंडोनेशिया इंडोनेशिया के बाली में पहुंचे और उनके द्वारा यहां पर जाकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया गया प्रोडक्ट मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या है जिसका प्रचार किया गया अच्छे से वो प्रोडक्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को किसी देश को अगर बनाना है और बर्बाद करना है तो एक सबसे आसान तरीका है कि उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बर्बाद कर दो वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा यही काम किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज ऐसा नहीं है कि वो हमारे देश में आए थे तो कुछ अच्छा करने के लिए वो हमारे देश को लूटने आए थे हमारे देश का रॉ मटेरियल निकाल के ले गए हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया हमें रिलीजन के नाम पर एक तरीके से लड़ा कर चले गए हमारी जो जियोग्रफ़ीज़ हैं उनको डिवाइड करके चले गए जिसके बेस पर आज के डेट में भी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं तो यानी कि उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया हाँ कुछ अच्छा किया तो हम लोग को ये बता दिया बस उन्होंने कि भाई साहब किसी को बर्बाद किया जा सकता है अगर वो आपस में लड़ते रहे हमारे यहाँ पर हम लोग आपस में लड़ते रहते थे तो उन्होंने आकर क्या किया सबको थपड़ियाना स्टार्ट कर दिया ठीक है एक तरीके से कोई बोल रहा है कि मैं भाई साहब राजपूत हो कोई बोल रहा है मैं मराठा हूँ तो सबको इन्होंने एक 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 तो नहीं सबको एक साइड से पहले लाइन में बैठाया और फिर सबको थप्पड़ मारने स्टार्ट किए तो सारे नीचे बैठो ठीक है सबको एक तरीके से लाइन में लगा दिया तो तब इनको समझ में आया कि यार हमारे ही देश में हमारी बेजती की जा रही है हमारे ही रिलीजन को दबाया जा रहा है हम ही को दबाया जा रहा है तो किसी को नहीं छोड़ा भाई साहब किसी भी कम्युनिटी के बंदे को आप लोग ले लो मतलब सबको उन्होंने एक तरीके से एक लाइन में बैठा दिया तो क्यों क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका था हम लोग अपने ही एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे तो इसके चलते सब जो है अपने अपने एरिया के बारे में सोच रहे थे उसीलिए हमारी अट्ठारह की जो क्रांति है वो फेल हो गई क्योंकि उस टाइम पर सब अपना अपना झंडा लेकर चल रहे थे ठीक है कोई अलग राज्य का झंडा लेकर चल रहा है कोई अलग का कोई कानपुर है कोई झांसी है कोई मतलब अपने अपने नहीं अपने अपने एरिया में लड़ रहे थे सब अपने अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे कोई भी एक भारत एक कंप्लीट देश के लिए नहीं लड़ रहा था यहां पर सब अपने अपने एरिया के बारे में बात करते इसीलिए बोलते हैं कि लैक ऑफ लीडरशिप जो है वहां पर वो पर्टिकुलर एरिया को डुबा कर बैठ गई तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए तो यहां पर जी ट्वेंटी में अगर एजुकेशन को हम लोग आगे लेकर चल पाते हैं तो काफी शानदार एक तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट होगा और एक दूसरे से सीख भी पाते हैं क्योंकि एक क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं और दूसरा पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो दोनों चीजें यहाँ से निकल कर आती है आप लोगों में इसलिए बोलता हूं कभी भी पढ़ रहे हो ना कुछ चीजें तो उसको ऐसे मत पढ़ो कि एग्जाम देना है आप लोगों को उसको ऐसे पढ़ो जैसे मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे जब पॉलिटी में तो मैंने आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाए थे कि आप लोग उन फंडामेंटल राइट को सीखो वो आप लोग की जिंदगी का पार्ट है क्यों तो थि। क्योंकि थि, आप लोग देश के अंदर रहते हो भारत के अंदर में और भारत के अंदर रहते हो तो आप लोग इंडिया के सिटीजन हो गए तो इंडिया के सिटीजन होने के नाते आप लोगों को कौन सी चीज मिली हुई है वो मिली हुई है आप लोग के अधिकार और वो अधिकार आप लोगों को पता नहीं है तो फिर सिटीजन और नॉन सिटीजन होने में फायदा क्या रह गया आप लोगों को फायदा क्या है कि आप लोग इंडियन सिटीजन हो तो फायदा तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए ना उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो ये गलत बात हो जाती है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम अगर देश के नागरिक हैं तो देश के नागरिक होने के नाते क्या हमको अधिकार मिले हुए हैं कोई बाहर का इंसान आकर हमारे देश में वोट डाल सकते हैं दे रखा है किसी को अधिकार हम लोगों ने नहीं दे रखा है पर लेकिन आप लोग डाल सकते हो अगर आप लोग चाहो कल को अपने देश के आप लोग प्रेसिडेंट बन सकते हो ठीक है तो क्या कोई बाहर का इंसान आकर यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संवैधानिक पोस्ट पर बैठ सकता है नहीं बैठ सकता आप लोगों को अधिकार मिले हुए तो ये आप लोगों को अधिकार मिले क्यों क्योंकि आप लोग देश के नागरिक हैं तो देश के नागरिक होने के चलते ही ये आप लोगों के लिए वॉलेंट्री है कि आप लोग नागरिक हो इसलिए सारे अधिकार आप लोगों के पास में पर लेकिन कोई बाहर का इंसान आकर ये अधिकार लेने लगे तो ना बाबा ना उसको ना देने के हम ठीक है तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीजें बेसिक है और वो कैसे पता चलता है जब आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है संविधान संविधान निर्माताओं ने इसलिए नहीं बनाया था कि भाई साहब इसको पढ़कर लोग जो है आई बनेंगे इसको पढ़कर लोग जो है एग्जाम निकालेंगे अपने अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम निकालेंगे वो इसलिए बनाया गया था ताकि उसको पढ़कर लोग जो है समझ सके कि उनके अधिकार है क्या और जैसे अंग्रेजों ने रूल किया है सबके ऊपर ऐसे आने वाले टाइम में पोलिटिशियन रूल नहीं कर सके तो इसीलिए यहां पर फंडामेंटल राइट को एक तरीके से हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोल सकते हैं ये इसके लिए बोला गया क्योंकि वो इंडिविजुअल को अधिकार देते हैं अपने आप को एक एक तरीके से पहचानने का एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बनकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का ठीक है तो उसको कैसे समझेंगे वो समझेंगे एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू तो अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कौन से नंबर की है ये तीसरे नंबर की है इससे पहले दो एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं और इसके ऊपर मैं वीडियो भी काफी डिटेल में बना चुका हूं अगर नहीं देखिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाई वीर सर्च कर लेना सारे चक्सू खुल जाएंगे पूरी पॉलिसी डिटेल में एक्सप्लेन कर करके आप लोगों को ठीक है तो ये आप लोगों के सामने है कंप्लीट जो ये है तो इसके यहाँ पर अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें अच्छी बात क्या है दो दो डिग्रियां आप लोग एक साथ कर सकते हो आज के डेट में तो ये बोला गया एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन अच्छे से आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं चीजों को मतलब कई सारे फायदे आप लोग को दिए गए अभी थीम क्या रखी गई है बोला जा रहा है रिकवरी हर जगह आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा रिकवरी के बारे में बात की जा रही है कहां से रिकवर करने भाई साहब ऐसा है कि गर्लफ्रेंड छोड़ के भागे वहीं पे डूबे बैठे हैं या फिर बॉयफ्रेंड किसी और के साथ में चला गया वहीं पे पर रिकवर नहीं कर पा रहे रिकवरी है कोविड 19 से कोविड 19 सबकी गर्लफ्रेंड बन गया था क्यों क्योंकि सबको घर में बंद कर दिया उसने अपने आप बाहर मतलब जानवर बाहर घूम रहे हैं मजे लेते हुए आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रही थी उस टाइम पे कि हमारे यहाँ से आईफिल टावर दिखने लगा पोल्यूशन खत्म हो चुके हैं <laughs> तो वो क्या थी वो थी एक तरीके से रिकवरी कर रहे हैं अब यहाँ पर जो कोविड नाइन्टीन ने चीज़ों को किया था आप लोग एक बात बोलो आप लोग ये चीज़ फील नहीं कर रहे हैं पर लेकिन रियलिटी में कोविड नाइन्टीन एक ऐसा चेंज एक ऐसा सिस्टम में इम्पैक्ट डाल के गया है उसने सारी चीज़ों को चेंज करके रख दिया और जब कभी पढ़ा जाएगा ना आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे से चीज़ों को डिवाइड करके देखा जाएगा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आया नाइनटीन के बाद में ठीक है फिर दो में आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने सुना था रिसेशन आया इसी तरीके से अब आगे आने वाले टाइम में यह पढ़ा जाएगा कि प्री पेंडेमिक कैसी थी अर्थव्यवस्था और पोस्ट पेंडेमिक कैसी थी अर्थव्यवस्था ऐसी चीज़ें आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग के बच्चे जो हैं ऐसा कुछ पढ़ा करेंगे 10-20 साल जब ये पढ़ाई जाया करेगी चीज़ें कि पेंडेमिक से पहले कैसी थी दुनिया और पेंडेमिक के बाद में कैसी थी दुनिया इतने लार्ज स्केल पर इसने दुनिया पर इम्पैक्ट डाला है और इतने लार्ज स्केल पर इसकी वजह से लोगों की जान गई है तो ये एक एरा चेंज कर दिया इसने तो ये आप लोग समझिएगा तो इसीलिए बोला जा रहा है थीम क्या है रिकवर करना है इसी के साथ में रीइमेजन करना है फिर से कैसे चीज़ों को लेकर चल सकते हैं और जो बर्बाद हो गया उसको फिर से बनाना है तो यहाँ पर सीधे सीधी बात की जा रही है कि भाई साहब अपने पैरों पर पे खड़ा हो जाना है जो अब तक घुटनों पर चल रहे थे अब वहां से निकलना है ठीक है तो इसके चलते यहां पर क्या होगा कोई अकेला तो काम कर नहीं सकता ठीक है तो मैं ही अकेला कैसे काम कर पाऊंगा तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर एक 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 तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हैं कि हर एक हर इंसान कंट्री सबको मिलकर यहां पर काम करना है और उसी को बोलते म्यूचुअल म्यूचुअल का मतलब सबका फायदा ठीक है यानी कि एक तरीके से सामने वाले का फायदा और तुम्हारा फायदा तो इस तरीके से, से मैं बोलता हूं किसी को आप लोग पढ़ा दो इसमें दो फायदे हैं आप लोगों का रिविजन हो जाएगा और सामने वाले को सीखने को मिल जाएगा तो आम के आम और गुटलियों के दाम ऐसा है कि पैसा ही हर टाइम अच्छी चीज नहीं होता है कि हाँ पैसा ही चाहिए बस पैसा ही चाहिए पैसा इंसान को कितना चाहिए आप लोग ये बताओ अंबानी है ठीक है या फिर अदानी है जो दुनिया का आज की डेट में तीसरा सबसे अमीर इंसान बने बैठे हैं तो ये इंसान जो है आप लोगों को लगता है कि वो पैसा कहाँ जाएंगे इतना लेके निक्कर वही पहनता होगा बनियान वही पहनता होगा खाना भी वही खाता होगा थोड़ा सा ये कि वो पनीर खा लेता होगा या फिर और भी अच्छे अच्छे पकवान खा लेता होगा पर लेकिन हमको थोड़ा सा दूसरा मिल जाता है नहीं मिल पाते इतने पकवान डेली पर रोटी तो उसी गेहूँ की खाता होगा ना या फिर वो कोई अलग तरीके की रोटी खाता है उसमें मतलब एक तरीके से कुछ ज़्यादा ही क्या ही बोलो सब मतलब एक अलग ही लेवल की चीज रोटियाँ बनवा रहा है कि वो प्रोटीन की रोटियाँ खा रहा है ठीक है वो सोने की या चांदी की रोटियाँ खा रहा है खाएगा तो इंसान आना जी ना नहाएगा तो पानी में ही ना पिएगा पानी ना हवा भी वही रहेगी उसके लिए अलग से हवा तो आनी रही इंसान के लिए तो इसीलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को जिंदगी में इतना कमाना चाहिए कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है आप लोग हमेशा अपनी जरूरतें कम रखो और अपनी जिंदगी में अपने गोल पर फोकस रखो तो कोई आप लोग को दबा नहीं पाएगा ये आप लोग सीख के जा सकते हो यहां से बात करें अगर यहाँ पर तो म्यूचुअल फायदा होता है यहाँ पर जब भी किसी को आप लोग कुछ चीज़ें सिखाते हो तो आप लोग उससे ज़्यादा खुद सीखते हो मैं रिलेटिव में बताऊँ जिस दिन से मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया ना मैं इतनी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ आप लोगों को तो पता नहीं मैं कुछ सिखा पाता हूँ या नहीं सिखा पाता हूँ पर जो आप लोग कमेंट करते हो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो वो इतने सारे मेल इतने सारे इंस्टाग्राम पर आज के डेट में रील लगी पड़ी है इतने सारे कमेंट आने जिसकी वो सतनी बहुत सारे पढ़ पा रहा हूँ टाइम तो थोड़ा सा और भी बहुत सारे पढ़े जाएंगे तो ये क्या होती है ये होते हैं कि एक तरीके से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पर ऐसी लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सी चीज़ें समझाई जा सके सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर एक तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है एक्सिस सबसे बड़ी चीज़ ये आप लोग ध्यान रखेगा जो मैं भी बताने जा रहा हूँ एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए उसके पास में स्कूल होना चाहिए तभी तो वो एजुकेशन ले पाएगा इक्विटी भेदभाव नहीं होना चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि मतलब भाई साहब बस फ्री में प्रोवाइड करा दिया लेकिन है क्या एक तरीके से नहीं सबको दे दिया फ्री में मोबाइल फोन मोबाइल फोन चली नहीं जाए फ्री में बांट दिया भाई साहब हमने तो अब इसका डब्बा मैं सर फोड़े इसका अपना है, किसी और का जाकर ठीक है क्या कर दिया तुमने मोबाइल ऐसा हो तो कम से कम जो चल सके इसी के साथ में अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है ये शब्द ना अपने ही आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर शब्द अफोर्डेबल आ जाए तो यहाँ पर अफोर्डेबल के साथ में क्वालिटी भी एड होना चाहिए यानी कि अफोर्डेबल अफोर्डेबल से काम नहीं चलेगा कि यहाँ सस्ता बना दिया क्वालिटी भी होनी चाहिए ना उसकी तो अफोर्डेबल और क्वालिटी दोनों साथ में होनी चाहिए तब यहाँ पर यह चीजें करेगी कि सस्ता कोर्स तो सस्ता कर दिया कि हाँ भाई साहब सस्ता कर दिया पर लेकिन देखने को मिल रहा है कि उसमें के अंदर क्वालिटी नहीं है ठीक है मतलब ये बिल्कुल वही बात होगी कि यूपीएससी का कोर्स है यूपीएससी के टीचर पढ़ा नहीं रहे उस कोर्स को एसएससी वाले टीचर पढ़ा दिया ठीक है समझ रहे आप लोग यहां पर बेच दिया क्यों सस्ता बेचा है अरे सस्ता तो बेचा पर पढ़ा कौन रहा है वो तो देख लो एक मिनट के लिए टीचर तो कम से कम वो लगाओ जिन्होंने कम से कम एटलीस्ट एक एग्जाम तो दे रखो पढ़ा तो उसको समझा तो पेपर को या फिर कम से कम कुछ एक्सपीरियंस तो उसको टीचिंग का तो तब समझ में आता है तो यानी कि अफोर्डेबल और क्वालिटी में डिफरेंस होना चाहिए यानी कि कि डिफरेंस क्या होना चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए अफोर्डेबल के साथ में तब आएगा और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए यानी कि एक तरीके से ट्वेल्थ के बच्चों को पास टीचर से रहे हैं ऐसा सही है क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आप लोगों की क्या सही है और क्या गलत है अगर नहीं है तो फिर भाई साहब उसको सुधारा जाएगा तो इसके चलते एक विजन लेकर यहां पर चल रहे हैं और ये जरूर

आप लोगों ने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक गांव में कोई ऐसा था जो बिजली का काम करता था ठीक है और उसके पास में बैठे तो आप लोगों ने वहां से सीख लिया अच्छा यार ऐसे ऐसे कनेक्शन करते हैं ऐसे ऐसे सारी चीजें करते हैं मोटर फूक जाता है तो उसे वाइंडिंग ऐसे करते हैं मुझे याद है एक बार पंखा जो जल गया था ठीक है तो उसको सही करवाने गए थे तो वहां पर देखा कि कैसे कैसे वो बांधते हैं तो सीखने में इंटरेस्ट रखना चाहिए आप लोगों का क्या पता कहाँ पे काम आ जाए मेरे ताऊजी बोला करते थे कि भले ही कितने बड़े आगे चलकर कर तुम मंत्री बन जाओ पर लेकिन कम से कम खेती करनी आनी चाहिए तो भाई साहब उन्होंने रगड़ा हम लोगों को गेहूँ काटने गेह, मतलब एक तरीके से वो एक से, सारे काम जो भी जो ईंक छोलना एक तरीके से बुग्गी भरना गोबर मतलब गाँव घर से भर के जो जानवरों का जो गोबर होता है बुग्गी में भर के उसको खेतों में लेके जाना फिर उसको डालना वहाँ पर उसको फैलाना पानी में मतलब एक अलग ही लेवल पर चाहिए थी गेहूँ गन्ने को बांधना भाई साहब हाथ भी चिर जाते थे पूरे दूर दूर तक तो उन्होंने सारी चीज़ें सिखा रखी है तो मतलब कल को चलकर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं घर पर जाके खेती कर सकता हूँ तो इंसान को इतनी स्किल पता होना चाहिए आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना उसको कभी मत छोड़ना मतलब कहने का मेरा ये यहाँ पर कि अगर आप लोग आते हैं काफ़ी एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ घर में कोई दर्जी है ठीक है घर में कोई कुम्हार है तो उसको जरूर सीखना जिंदगी में वो आप लोगों की एक तरीके से परवरिश से जहाँ से आप लोग निकल कर आएँ वो आप लोगों को पता होना चाहिए वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी कुछ भी हो जाए आप लोग उसके ऊपर कम से कम अपने पैसे कमा सकते हो अपनी रोजी रोजी रोटी चला सकते हो अपने परिवार को पाल सकते हो तो ये हमेशा मेरे था बोला करते थे अक्सर ठीक है चलिए ठीक है आगे बात करते हैं तो इंडिया के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है दो चीज़ों के ऊपर काफी बड़ा फोकस कह रहा है एक तो बच्चा जो बचपन में होता है ना उसको अच्छी केयर मिल जाए ठीक है और उसके साथ में उसको एजुकेशन मिल जाए तो भाई साहब वो बच्चा कहीं भी जाकर फोड़ सकता है पूरी दुनिया में मतलब कहीं भी आग लगा सकता है अगर उसको ढंग से गाइड किया जाए और अगर गाइड नहीं मिलता है तो फिर बिना पैदी का लोटा है कहीं ना कहीं जाके उल्टी सीधी हरकत ही करेगा तो जरूरी है कि एक बच्चे को इस तरीके से लेके चले ताकि सही डायरेक्शन में उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके तो ये आप लोगों को समझना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से आप लोग समझिए पूरा आर्टिकल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात कर दी थीम वगैरह बता दी क्या क्या मुद्दे हैं तो इसका जो है बखान किया गया यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था द हिंदू के द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया यहाँ पर और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में इंडिया चाइना ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इन्होंने अपोज़ किया है कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में तो देखिए होता क्या है बेसिकली आज की डेट में जो अमीर देश हैं वो हर तरीके से शाम दाम दंड भेद लगाकर ये सोच रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको कोयला वगैरह यूज़ करने से रोका जा सके वो एक तरीके से जो हरकतें खुद कर चुके हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं कि तुमने तो ज़िंदगी के पूरे मज़े ले लिए और जब सामने वाले के मज़े लेने के टाइम आए तो तब तुमको मिर्च लग रही है ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं यानी कि यहां पर अभी अपने आप तो इनके द्वारा खूब मजे ले लिए गए पूरा एमिशन किया और सारी चीजें हरकतें पूरी की जितना ही कर सकते थे अभी डेवलपिंग कंट्री आगे बढ़ रही है तो उनके सामने ये रोडे अटका रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बायोलेट्रल ग्रुपिंग एनवायरमेंट से रिलेटेड आप लोग यहां पर कनेक्ट करके देख सकते हैं ट्वेंटी सेवंथ एडिसन जो अभी कॉन्फ्रेंस का हुआ जो कि सरम अल सेख जो कि इजिप्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला उसमें बोला गया कि अगर कुछ ऐसा एक्सपोर्ट किया जा रहा है जो कि यहाँ पर कार्बन एमिशन का रीजन बन सकता है तो यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस होते ही उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो ये यहाँ पर इनके द्वारा बात की गई है यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कंट्री जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर इंडिया ब्राज़ील चाइना साउथ अफ्रीका ये वो देश हैं जो कि अभी अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह कोई टैक्स सामने आ जाता है तो ये वो कंट्री है जिनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी रोकनी पड़ जाएगी तो इसलिए यहाँ पर ये जो कंट्री है ना अभी जो नई नई आ रही है यहाँ पर तो उनको आगे ना निकले तो उसके लिए मैंने कहा था ना शाम धाम दंडभेद लगा रहे हैं तो वही शाम धाम दंडभेद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये सारे वो प्रपोजल लेकर आ रहे हैं ताकि ये कंट्री जो है यहीं पर ही रुक जाए और ये कंट्री जो है वो आगे बढ़ती यहाँ पर नजर न आए पर लेकिन वही है ये कंट्री भी कब तक यहाँ पर इनकी मानेगी तो इन्होंने अब उस चीज़ को रोक दिया बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर इसको अपोज किया गया वैसे है वैसे ये जो प्रपोजल है ये यूरोपियन कमीशन जो यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील के तहत यहाँ पर लेकर आया था ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसके अंदर में यूके पहले हुआ करता था अब बाहर निकल गया अब ट्वेंटी कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी रेस्पोंड जो था यहाँ पर बेसिक कंट्री का इनके ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इंडिया चाइना इन्होंने बोला कि अपोज करते हैं यूरोपियन यूनियन की इस डील का तो यानी कि ये कंट्री क्योंकि डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आती है इसलिए यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है और इनके द्वारा यहाँ पर ये भी बोला गया कि अगर हम लोग रियो जो डिक्लेरेशन हुआ था बेसिकली ब्राज़ील के अंदर में उस डिक्लेरेशन में आर्टिकल बारह ने ये बोला था कि जो भी यहाँ पर ये आज की डेट में जो हरकतें की गई हैं अमीर कंट्री के द्वारा जो इतना ज़्यादा यहाँ पर ये एक तरीके से गर्म कर दिया पूरा माहौल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी सारी रिलीज़ कर कर इतना कोयला जलाकर इन्होंने मजे ले रखे हैं एक एक घर में चार चार गाड़ियाँ हैं दुनिया भर की ए चलती हैं तो ये सारी डेवलपिंग कंट्री की हरकतें हैं यानी कि यूरोप और यूएसए की हरकतें हैं तो इनका इंपैक्ट जो है वो डेवलपिंग देश यानी कि इंडिया जैसे देश पर नहीं पड़ेगा इनको खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा अब ये सोच रहे हैं कि ये दूसरे देश पर यहां पर डाल दे सारी चीजें लाकर तो इसी के चलते यहां पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो यहां पर ऐसे नहीं कि यहां पर उनपे फोकस करना स्टार्ट कर दो जो कंट्री अभी यहां पर काम को करना स्टार्ट की है तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के बारे में बात की जाती है तो यानी कि अपने बारे में सोच के अब तुम निकल लिए अब सामने वाले के देश के बारे में सोचने रहे हो अगर कोयला यूज करना बंद कर दिया हमारे देश में अभी भी लोगों के घरों में बिजली नहीं है तो कैसे बिजली पहुंचेगी उसके बारे में कौन बात करेगा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का अगर उसने यहां पर ऐसी हरकतें कर दी तो सोचो कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है कितना रुक सकता है यहां पर इंपोर्ट भी यहां पर रुक सकता है इस तरीके से कितनी दिक्कतें यहां पर हो सकती है तो इस तरीके से समझ सकते हैं ठीक है कहीं ना कहीं टैक्स लगाने से क्या होगा कोई ऐसा प्रोडक्ट हम लोग लेकर जा रहे हैं जो कि कार्बन एमिशन का जो रीजन है यहाँ पर ये कार्बन एमिट कर, कर लाया गया है तो ये जैसे ही यूरोपियन यूनियन के अंदर जाएगा उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा वहाँ पे कोई खरीदेगा नहीं उसको हमारे प्रोडक्ट की एक तरीके से दुर्गति हो जाएगी तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं तो इसके चलते ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये मना कर रही है कि भाई साहब ये जो खेला तुम खेल रहे हो ना ये पसंद नहीं आ रहा है आथू ठीक है क्योंकि ये हरकतें हैं एक तरीके से आप लोग बोला जाए तो तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी है कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में बोला गया कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है एक तरह टैक्स है जो कि कार्बन एमिशन कोई भी ऐसा एट्रिब्यूट करता है टू इम्पोर्ट द गुड्स तो यहाँ पर एक तरीके से हैव नोट बीन कार्बन टैक्स एट सोर्स तो ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गया यहां पर अभी डिस्कस करेंगे दूसरा बोला गया कार्बन जो बॉर्डर टैक्स है पर प्रपोज करता है पार्ट ऑफ यूरोपियन कमीशन ग्रीन डील का जो आप लोगों को को देखने मिलता है कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है यहां पर ये अगर बात की जाए तो इंप्रूवमेंट करेगा एक नेशनल कार्बन टैक्स के बारे में बात की जा रही है सही आंसर क्या है ए बी सी एफ डी ओनली वन ओनली टू या ओन थ्री सही आंसर यहां पर बी करेक्ट पूछा गया ना तो यहां पर आप लोग देखते हैं जो टारगेट है यहाँ पर ये बेसिकली 2030 तक नहीं है यहां पर 2050 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है ये ओनली स्टेटमेंट गलत है बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर तो कन्फ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए कई बार कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं अगर माइंड में कितने क्लैरिटी रहेगी तो ये सारी चीजें आप लोग इंप्रूव कर पाएंगे ठीक है तो ये अमीर कंट्री क्या करती हैं फिलहाल ये सोच रही हैं जिससे तैसे भी करके क्योंकि आज की डेट में ना ये जो कंट्री जो खास पहले डेवलपिंग कंट्री हुआ करती थी ये सारा सामान खरीदा करती थी अब खुद बनाने लगे खुद बनाएंगे तो यहां पर एनर्जी भी लगेगी सारी चीजें होंगी तो इस तरीके से सारे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं ठीक है ठेके? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंफ्यूज आना नहीं है अगर कंफ्यूजन होगा तो बता देना तो ये था पूरा आर्टिकल आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी ओके ये न्यूज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी यहाँ पर कि स्पेशल मेटर्निटी लीव जो है इन केस ऑफ इन्फेंट डेथ इनके अगर किसी छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर स्पेशल मेटर्निटी लीव के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो यानी कि ये है क्या बेसिकली ये यहाँ पर ये कि आज की डेट में जो महिलाएं हैं वो ऐसी प्रॉब्लम फेस करती हैं जब बच्चे को जन्म देती हैं उसके बाद में अगर यहाँ पर बच्चे की डेथ हो जाती है तो ये माँ के लिए बहुत बड़ा शौक होता है तो साठ दिन की यहाँ पर छुट्टी देने की बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फीमेल हैं जो जॉब करती हैं अगर यहाँ पर बच्चे की डेथ आफ्टर बर्थ हो जाती है यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ अट्ठाईस दिन के अंदर अंदर डेथ हो गई तो इसके बारे में बात की जा रही है स्टिल बर्थ जो यहाँ पर डिफाइन करने को की कोशिश की गई है कि डेथ और लॉस बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी यानी कि पेट में ही डेथ हो जाना या फिर डिलीवरी के ड्यूरेशन में डेथ हो जाना तो बात की जा रही है बेबी नो नो साइंस ऑफ द लाइफ एट और आफ्टर ट्वेंटी एट्स ऑफ वीक ठीक है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बच्चे के बारे में आप लोग जाने थोड़ा सा तो बच्चा ट्वेंटी एट वीक में कैसा होता है तो ये सारी चीज़ें एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए तो ये देख सकते हैं आप लोग ग्रोथ कैसे होती है तो ये यहाँ पर ट्वेंटी वीक का ऐसा देखने को मिलेगा ये ट्वेंटी वीक का है यहाँ पर तो यहाँ पर एक माँ को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है तो इसके चलते ठीक है तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा आप लोग क्या रहा है इसके बारे में तो यहाँ पर इसी के चलते एक शब्द है स्टिल बर्थ तो बोला यहाँ पर कि स्टिल बर्थ जो है यहाँ पर द बेबी बोर्न डेड आफ्टर 24 जो कंप्लीट कर लेता है वीक उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं तो इसके बारे में याद रखेगा और इसी के साथ में लॉस जो होता है ये है ये कि बेबी डाई बिफोर ट्वेंटी फोर ठीक है यहाँ पर आफ्टर ट्वेंटी फोर की बात की जा रही है तो छोटे छोटे शब्द जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं ठीक है और यह है क्यूट सी पिक्चर जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसका नाम है स्पार्क स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च यकीन यहां पर स्पार्क प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका मतलब यह कि जो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस तो ये ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर फेलोशिप जो यंग हैं उनको आयुर्वेदा कॉलेज के अंदर ताकि अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाए स्टूडेंट को सपोर्ट करने की बात की जा रही है ठीक है तो इसके बारे में हल्का सा आर्डियर रख सकते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो जो ये जो यहाँ पर काउंसिल जो यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आती है तो ये बेसिक चीजें आप लोग समझ सकते हैं तो इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए और इस प्रोग्राम के बारे में तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कई बार क्वेश्चन छोटे छोटे आप लोगों से पूछ ले जाते हैं ठीक है यहां पर बात की जा रही है ग्रीन हाउस गैस एंड सी लेवल रीज द रिकॉर्ड हाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ये अभी यहां पर यूएसए के अंदर अगर बात करें रिपोर्ट आई है निकलकर नेशनल ओस, नेशनल ओशियन एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिसमें यहां पर बताया गया कितने लार्ज स्केल पर अभी चीज जो है बढ़ गई है ग्रीन हाउस गैस तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी जो एक तरीके सी का लेवल है वो दस ईयर मतलब तो दसवें साल भी लगातार बढ़ता जा रहा है और 2021 में माना जा रहा है कि अगर अब तक का रिकॉर्ड माने तो सबसे ज्यादा बड़ा जब से हम लोगों ने इसको काउंट करना स्टार्ट किया साइक्लोन की एक्टिविटी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो एक अलग पैटर्न में है तो आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में चीजें जो है वो भी चल रही है वरना फिर आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलेगी तो यहाँ पर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कोई कन्फ्यूजन इसको लेकर आप लोगों का नहीं होना चाहिए तो कल को चलकर क्वेश्चन बन जाए कि यहाँ पर अगर कंटिन्यूअसली पिछले दस साल से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो आप लोगों को उसमें यस लगाना है ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करेंगे यहाँ पर लंगूर के बारे में अंगूर के बारे में नहीं लंगूर के बारे में लंगूर जो है वो रिसेंटली क्या कई बार न्यूज़ में रहते हैं और अक्सर इससे यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोग बनते हैं हम लोग बात करेंगे हिमालयन ग्रे लंगूर के बारे में तो जो हिमालयन रीजन में ये इस तरीके के जो ग्रे लंगूर पाए जाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ इनका नाम वैसे तो हिमालयन ग्रे लंगूर भी हम लोग बोलते हैं और वैसे यहाँ पर इनको अगर बात करें इनका साइंटिफिक नेम के बारे में तो इनको यहाँ पर बेसिकली अलग नाम से पुकारा जाता है वो क्या है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है सेमिनोपेथिकस अगकस ठीक है तो ये पर्टिकुलर इसका नाम है और इसी के साथ में यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो लंगूर हैं ये अलग अलग एल्टीट्यूड पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं यानी कि डिफरेंट हाइट जो रहती है यहाँ पर वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये फूल पत्थियाँ फल फ्रूट खाने वाले जो है बेसिकली मूंगकी आप लोग यहाँ पर नजर आते हैं उसकी जो लीव्स होती हैं वो भी आप लोग यहाँ पर ये खाते हुए नजर आते हैं यहाँ पर जैसे हिमालयन ग्रे लंगूर है ऐसे चांबा सेक्रेट लंगूर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये इस तरीके से हैं जो कि लीफ ईटिंग मोंगी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं ना जो लीव्स होती हैं तो उनको खाते हैं अगर आई यू सी एन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ़ नेचर जो कि नॉर्मली यू पी फोकस देती है उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है और जब थ्रेट के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है हम जैसे इंसान जो हैं वो जानवरों को नहीं छोड़ रहे हैं यानी कि हम सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर हो चुके हैं तो आज की डेट में जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं फ्रेगमेंटेड वे में आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो इसके चलते बहुत सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं जंगलों को काटते जा रहे हैं ठीक है इसी के साथ में शिकार करते हैं बहुत सारी चीज़ें कई सारी बीमारियाँ आप लोगों को देखने को मिलती हैं कई जगह आप लोगों ने देखा होगा जो आज के डेट में ना कि इस एरिया में बंदर जो है वो क्रॉप को बेकार कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग से मुहिम चलाई जाती है गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बंदर आ गया तो कोई इसको पकड़ने के लिए मंगा लेते हैं कि हाँ यार पकड़ के ले जाओ कई बार यहाँ पर बंदरों को मारा भी जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं और ये हर जगह प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो इनके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि जिनकी ये जिंदगी है बर्बाद होने से बचाया जा सके उसी के चलते ये पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हो सकती है आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है वो टेररिज्म की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझता है हर तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ में हमारे देश का जो बॉर्डर टच करता है वो काफ़ी बड़ा रीज़न है कि टेररिज्म जो है हमारे देश में बड़ी फ्रिक्वेंटली आप लोगों को फैलता हुआ नजर आता है क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों से पूछे कि पाकिस्तान के साथ में हमारे देश का कौन कौन सा राज्य जो है वो बॉर्डर टच करता है तो याद रखिएगा यहाँ पर गुजरात राजस्थान पंजाब और अब तो फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को पांच एरिया हो गए जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरेटरी और लद्दाख अलग यूनियन टेरेटरी यानी कि मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पांच एरिया अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हो गए तीन तो राज्य हो गए बाकी यहाँ पर आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरेटरी होगी तो इन एरिया में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो टेरिज्म फैलाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा तो इसके चलते यहां पर अभी जो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर एन एम एफ टी जिसको बोलते हैं नो मनी फॉर टेरर यानी कि टेररिज्म के लिए कोई भी मनी यहां पर प्रोवाइड नहीं करानी है इसकी अभी तीसरी मीटिंग जो है वो आप लोगों को इंडिया के अंदर यहां पर देखने को मिले ठीक है यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पहले इसकी दो मीटिंग हो चुकी है एक पेरिस में हुई दो बेसिकली अट्ठारह में फिर मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुई 2019 में अभी तीसरी इंडिया में यानी कि 2022 में तो यहाँ पर होम मिनिस्टर जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो ये जो एक ऐसा डिस्कशन है एक ऐसा डिबेट है जिसके ऊपर फोकस दिया जाना चाहिए क्योंकि जब टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के बारे में बात कर, लोग करते हैं ना ये कहीं ना कहीं पूरी जो मानवता के लिए खतरा है क्योंकि वो किसी भी धर्म किसी भी रिलीजन कास्ट से रिलेटेड नहीं रहते हैं वो बस एक रहते हैं कि उनको एक इंसानियत के अंदर मानवता के अंदर खोफ फैलाना है तो पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसी के चलते यहाँ पर ये सारे इशू निकल कर आते हैं तो टेक्निकल लीगल रेगुलेटरी ये सारे जो कॉपरेशन के एक्सपेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे टेरिज्म फाइनेंसिंग में यहां पर ये सारी चीजों के ऊपर फोकस देने के लिए यहां पर ये मीटिंग देखने को मिलती है इंपोर्टेंट क्यों हो रही है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया तो क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछा जा सकता है तो इंपोर्टेंस इसकी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ये जो मीटिंग है ये इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल की है और वो इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना हमारा बनता है क्योंकि हम लोग समझ पाते हैं फिर यहाँ पर कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिल रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम भी कर पाते हैं ठीक है तो इसलिए बोलता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा फोकस आप लोग जरूर दिया करो तो ये बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों से अगर पूछे यहाँ पर तो इसके बारे में आप लोगों का आइडिया जरूर होना चाहिए ठीक है तो ये था पूरा एक अलग टॉपिक ये पर्सनली न्यूज में क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है आई एस ऑफिसर जिनका नाम है गौरव द्विवेदी वो अपॉइंट कर दिए गए हैं प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है ये पर्सनली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इस न्यूज के बारे में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस करूंगा आप लोगों से और आप लोगों की राय भी मांगूंगा यहां पर अगर कोई अपोस्ट ले आप लोगों से कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है और क्यों यूजीसी जो है यहाँ पर अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए गाइडलाइन जो है वो इशू की है यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहूँगा एक ऐसा इंसान है जिसके पास में पर्टिकुलर टीचर बनने के लिए उसने पीएचडी कर रखी है यानी कि उसके पास में पीएचडी की डिग्री है और वो जाकर वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं ठीक है ठेके? तो एक तो वो इंसान है जिसके पास में प्रॉपर डिग्री है पढ़ाने के लिए ठीक है एक मेरे जैसा कोई इंसान है जिसके पास में पढ़ाने के लिए डिग्री नहीं है कि मैंने टीचिंग के लिए कोई डिग्री कर रखी है मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर पढ़ाता हूँ यानी कि जो भी मैंने सीखा है वो आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ सोचो कि मेरे पास में पी की डिग्री होती और पी की डिग्री होती और पर लेकिन पढ़ाने में मैं आप लोगों को जिस तरीके से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो क्या पी की डिग्री का कोई मतलब है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी को भी ये चीज़ समझ में आ गई कि हर एक पी होल्डर की कोई गारंटी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर हो सकता है या फिर एक अच्छा प्रोफेसर हो सकता है टीचिंग प्रोफेसर प्रोफेशन या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर उसकी डिग्री से ज़्यादा जो है उसकी प्रैक्टिस यानी कि उसकी नॉलेज या उसका एक्सपीरियंस काम आता है वो ज़्यादा बेटर होता है तो इसलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये चीज़ समझ में आ गई और उसने बोला कि बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर में बेहतरीन टीचर हैं जिनके पास में पी की डिग्री तो नहीं है पर लेकिन वो टीचिंग के मामले में नॉलेज के मामले में वो अपने एरिया में बेस्ट हैं तो क्यों ना उन बेस्ट माइंड को हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर डालें पढ़ाने के लिए वो इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे क्योंकि उनके पास में डिग्री नहीं है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में डिग्री वगैरह आप लोगों की लगेगी तो इस कैटेगरी को क्रिएट कर दिया प्रोफेसर ओ प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस कर करके जो इंसान ने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि उसको काफ़ी नॉलेज हो गई है तो उस इंसान को यहाँ पर लाया जाए ठीक है तो ये बात है यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं करते हैं और ग्रेजुएशन छोड़कर निकल आते हैं तो उन इंसानों को कैसे लेकर चलना आप लोग ऐसे समझ सकते हैं ठीक है आप लोग देखो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आप में से संदीप महेश्वरी जी के जो लेक्चर देखते हैं बेसिकली वहाँ पर मोटिवेशन के लिए ठीक है और कई बार हम लोग क्या बात करते हैं कि वो क्या है वो एक तरीके से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है ड्रॉप आउट है तो इस तरीके से आप लोग देखो तो इसका मतलब क्या वो एक तरीके से मोटिवेट आप लोगों को नहीं कर पा रहे हैं अपना कोई बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग समझिए किसी भी ऐसे टीचर को आप लोग उठा लो जो टीचर पढ़ा रहा है एक तरीके से पर लेकिन उसका एक्सपीरियंस वहाँ पर काम आ रहा है बच्चों के लिए ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं मार्क जूकर वर्क को ले लो बिल गेट्स को ले लो ये सारे वो इंसान हैं जो कि अपना एरिया छोड़कर इस तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर आगे आज की डेट में अपने अपने एरिया की महारथी बने बैठे हैं ठीक है तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ की जरूरत नहीं है आप लोगों की डिग्री लगेगी तो ही इंसान कुछ कर पाएगा एक्सपीरियंस बोलता है वहाँ पर इंसान का ठीक है पर लेकिन एक्सपीरियंस उसी एरिया में होना चाहिए जिस एरिया में पढ़ाने जा रहे हैं ये कि एक्सपीरियंस है टीचिंग में और काम कर रहे हैं वहाँ पर आकर वो एक तरीके से फुटबॉल सिखा रहे हैं लोगों को वो नहीं होना चाहिए ठीक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लोग बताइए अलाउ किया जाना चाहिए या फिर नहीं अलाउ किया जाना चाहिए यूजी ने यूजीसी ने तो अलाउ कर दिया ठीक है तो मुझे लगता था कि मैं कभी अगर पढ़ाऊं जाकर मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर में तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा तो मेरे लिए रास्ता खुल गया अब मैं आगे चल के यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ा सकता हूँ ठीक है एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी सेंटर को यहाँ पर टाइम दिया कि रेस्पॉन्स किया जाए प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में देखिए अभी आप लोगों को कई सारे ऐसे रीजन देखने को मिले जहाँ पर पहले ये माना जाता था कि मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई अब लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन मस्जिदों को हटाकर फिर से वहां पर मंदिर बनाया जाए तो इसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में जो कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है नाइनटीन का ये ये बोलता है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से जो भी चीजें थी उसको यथास्थिति में माना जाएगा उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी पर लेकिन जब इंसान के सामने वो नहीं कहते कि आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती है जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर निकल कर आता है कि उस स्ट्रक्चर की आधी चीजें दिख रही हैं कि यहां पर मंदिर था और आधा जो है वो बेसिकली आज के डेट में मस्जिद बन गया है तो ऐसा अभी जो एक पर्टिकुलर मस्जिद जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था बताइए बनारस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है उसके बारे में कई सारे पॉइंट भी डिस्कस किए थे तो ऐसी चीज़ों का क्या करोगे आप लोग एक तो चीज़ वो है कि मतलब चीज़ें ना एक तरीके से ऐसी है कि मतलब

कल्चर से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं ये आप लोगों को बताना है देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बताता है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मिस्टर नटवर लाल और याराना के जो डायरेक्टर राकेश कुमार जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे तो यहाँ पर ये पर्सन इन न्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर देखें ये कौन है यहाँ पर ये है वो इंसान जो कि नंग धड़ंग हुआ था पब्लिक में ठीक है <laughs> तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिजम यहाँ पर हुआ था अभी यहाँ पर मोरक्को के अंदर में जो यहाँ पर मार्कस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसमें यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया है तो एक अवार्डी पर्सन के तौर पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके बारे में अवार्ड का नाम क्या है यहाँ पर यह आप लोग याद रखेगा अवार्ड का नाम है बेसिकली ये है एटोल डी ओर तो ये अवार्ड दिया था यहाँ पर तो मोरक्को के अंदर में यहाँ पर जो फिल्म फेस्टिवल हुआ उसके अंदर यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया ठीक है तो यहाँ पर मार्कस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिली तो लोकेशन भी आप लोग यहां पर थोड़ा याद रख सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूजना नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि त्रेपन संस्करण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कहां पर देखने को मिल रहा है तो ये याद रखेगा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव है वो आप लोगों को गोवा में 20 से लेके 28 नवंबर तक देखने को मिलेगा तो कौन कौन यहां पर गोवा वासी बताइए एक सीट मेले रिजर्व रख लेना मैं भी कुछ मूवी देखने आऊंगा आप लोगों को पता है मूवी का बहुत शौक है मुझे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 ये सरम एल सेक इजिप्ट के अंदर देखने को मिल रही है यहाँ पर लाइफ टाइम ये कंपेन चलाया गया जो कि इंडिया के द्वारा ताकि लोगों को एनकरेज किया जा सके कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल जो है वो एंजॉय कर सके यानी कि इन्वॉर्मेंट के और करीब रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसी के साथ में आप लोगों को बताया आप हम लोगों को 2070 तक का अपना एमिशन जो है वो कम करना है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 ये सरम अल सेख इजिप्ट के अंदर में यहाँ पर इसमें इंडिया के द्वारा सबमिट किया गया कि भाई साहब टेंशन मत लो हम भी अपनी जो एमिशन है उसको कम कर लेंगे तो उसके बारे में यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली ठीक है तो यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है अगर बात करें पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपोरेशन लिमिटेड जिसको पी ओ एस ओ सी ओ बोला जाता था उसका नाम चेंज होकर अब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से पुकारा जाएगा ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वर्ल्ड बैंक ग्रुप हाउसिंग ऑफ जो अर्बन अफेयर के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक ज्वाइंटली इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया फाइव डे सिटी क्रेडिट वर्थनेस अकेडमी वर्कशॉप ठीक है तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे देश की कौन कौन सी मिनिस्ट्री वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यहां पर ये यह ऑर्गेनाइज करा रही है तो ये कहीं ना कहीं अपने लोकल एरिया को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर फोकस दिया जाता है ठीक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसी के साथ में कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया 41 वन एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि प्रगति मैदान में स्टार्ट हो रहा है तो दिल्ली या फिर एनसीआर के आसपास वाले रीजन में आप लोग कहीं रहते हैं तो इसको जाकर आप लोग जरूर देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कुछ नया सीखने के लिए ठीक है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिला देखिए ये ना जो जो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया तो इसको जाकर एक बार सर्च कर लेना आप लोग डब्लूपीआई सी पी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ये ठीक है कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा एक वीडियो देखने छोटी सी और सारा काम खत्म खल्लास बाय बाय वो वाली बात हो जाएगी ठीक है तो इसको आप लोग देख लेना यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरीके का इन्फ्लेशन यहां पर जो काउंट किया था वो कंज्यूमर बेस पर किया जाता है यानी कि एक तरीके से आप लोगों के लेवल पर यहाँ पर इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट होता है होलसेल वाला जो होता है ये होलसेल वाली डिटेल पर काउंट किया जाता है मान लिये फैक्ट्री में से सामान उठाया वो दुकानों पर आ गया और दुकानों से कस्टमर पर आ गया तो ये यहाँ पर काउंट किया जाता है होलसेल वाला और ये सीपे वाला यहाँ पर काउंट किया जाता है आप लोगों के ऊपर ठीक है वीएलसी प्लेयर के ऊपर बैन लगा दिया गया था तो अभी फिलहाल उस बैन को हटा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो अच्छी बात है वीएलसी प्लेयर एक काफी यूज किए जाने वाला प्लेयर है इलेवेंथ एडिशन इंडियन स्टोन मार्ट 2022 याद रखिएगा पत्थर के बारे में बात की जा रही है जो मार्बल होता है उसके बारे में बात की जा रही है तो इससे रिलेटेड एडिशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है कहां पर ये आप लोगों को जयपुर के अंदर में ठीक है तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं तो क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूज नहीं होना है बात की जा रही है मिलियंस टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड यहां पर इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है कि पांच जो मिलियन का ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए किस पर्टिकुलर ग्रुप को सार्क जी ट्वेंटी या फिर आई एस ए तो सही आंसर आप लोगों को बताना है हाँ यहां पर किसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये देखो जब हिंदी में कन्वर्ट किया गया तो क्या लिख दिया इसने <laughs> इसको मैं सही कर दूंगा थोड़ा सा आप लोगों को ठीक है जब पी डी एफ डाउनलोड करोगे टेंशन मत लेना ओके आंसर बताओ आप लोग नेक्स्ट नेशनल हाइड्रोजन मिशन वो जो है लॉन्च किया गया 2002, 2007, 2010 या फिर 2021 सही आंसर क्या है इसका बताना है इसी के साथ में 22 वर्ल्ड कप टाइटल 2022 जो है वो किसके द्वारा जीता गया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया या पाकिस्तान आप लोगों ने देखा हाउल्ला क्या रहा उस टाइम पे तो हल्का सा याद रख सकते हैं फिफ्टी थर्ड जो एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया जो है वो होस्ट कर रही है वेस्ट बंगाल गोवा कर्नाटका या फिर उड़ीसा सारे बेसिक से क्वेश्चन है वन डे टाइप में डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले आते हैं तो हल्का साइडिया आप लोग रख सकते हैं सी सेट का एक क्वेश्चन है जो कि आप इसका आंसर आप लोग दीजिए फिर आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताया जाएगा ओके बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में ये है पर्टिकुलर रिवर ठीक है जिसका नाम है यहाँ पर निप्रो ठीक है तो डी साइलेंट रहता है ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी 2201 किलोमीटर लंबी तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर आप लोगों को यहां पर नजर आएगी जिसमें यहां पर यूरोप के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी जैसे कि रसिया हो गया यहां पर आप लोग देखते हैं बेलारूस यूरोप रसिया तो यहां से होती हुई आके ये ब्लैक सी में आप लोगों को गिरती हुई नजर आएगी ठीक है तो इसके बारे में याद रखिएगा फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है ये वोल्गा इसी के साथ में यहाँ पर जो एक दानवे और यहाँ पर यूराल रिवर थी उसके बारे में फोर्थ बार टाइम आप लोगों को ये देखने को मिलेगी ठीक है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं फिर आप लोगों की वो जो है वो आप लोगों को बताऊंगा ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है इसमें पांच मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड जिसमें यहाँ पर ये काफी अच्छा डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कोलेब्रेशन स्टार्ट किया गया था 1996 ऐसा नहीं कि ये अभी नई नई ताजी ताजी कोई चीज निकल कर आ रही है काफी पुरानी है अब यहाँ पर आप लोगों के सामने चीजें हैं ठीक है ठेके? आगे चलते हैं यहाँ पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं तो ये जो मिशन था ये लॉन्च किया गया दो के अंदर में यानी कि लेटेस्ट ताजा ताजा अभी लॉन्च किया गया काफी पुराना ज्यादा पुराना नहीं हुआ है तो इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा हाइड्रोजन एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स एनर्जी का देखने को मिल रहा है आज के डेट में जिसके ऊपर काफी सारे काम किए जा रहे हैं क्यों क्योंकि अगर पानी के बारे में बात करें तो पानी में से भी हाइड्रोजन आसानी से निकाला जा सकता है जिसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं अगर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके निकाला जाता है तो ओके इसका आंसर देने की जरूरत है पहले यहां पर मैच हुआ फिर यहां पर अभी मैच हुआ तो इसने पहले इंडिया को हराया फिर पाकिस्तान को हराया यानी कि दोनों की पिटाई कर दी इंग्लैंड ने ठीक है तो ये आप लोगों को पता है कौन जीता 53 थ्री कहां पर हो रहा है गोवा के अंदर मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया बाकी ये अभी चलेगा तो इसके बारे में फिर न्यूज आएगी तो फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंशन नहीं लेने का ओके पांच नए शब्द जो आप लोग की इंग्लिश इंप्रूव करेंगे आप लोग की आंसर राइटिंग इंप्रूव करेंगे अगर आप लोग एनडीए सी डी एस बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो एंटोनिम्स एंटोनियम्सोनियम्स पूछे जाते हैं वो भी आप लोग को फायदा पहुंचाएंगे तो एक एक शब्द देखते हैं सेंटेंस जरूर फॉर्म करना इनके ऊपर अगर इनको लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं सीख जाती है मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी और जो मेहनत करने से डरता है वो कभी भी अपने मुकाम को नहीं पा पाता है बात की जा रही है मैलो सुना ना मेलो ड्रामा तो एक तरीके से वही बात है तो यहाँ पर सुम एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सुकोमल या फिर मधुर शब्द भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके लिए ठीक है तो यानी कि काफ़ी अच्छा लगे एक तरीके से ज़्यादा वहाँ पर टेंशन ना हो फालतू की रेडिशन ना हो तो वाली चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर जीर यानी कि एक तरीके से ताना मारना मजाक उड़ाना किसी चीज की सब कहते हैं ना कई बार आप लोगों ने सुना होगा और देखो इसका चेहरा ये करेगा यूपीएससी क्लियर कई बार लोग अक्सर इस तरीके से मजाक उड़ाते पाए जाते हैं अगर आप लोग एक बार किसी चीज को ठान ले और उसके पीछे लग जाए अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए सिस्टमेटिक वे में अगर आठ आठ घंटे आप लोग बैठकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें तो कोई भी आप लोगों का टारगेट अचीव करने से नहीं रोक सकता है ठीक है पर लेकिन आप लोग क्या करते हैं आप लोग एक तरीके से ढुलमुल रवैया रखते हैं आज काम कर लिया कल छोड़ दिया परसों कर लिया तरसों छोड़ दिया उस रवैये में बेसिकली पीछे छूट जाते हैं आप लोग एक सही डायरेक्शन में आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है और ना ही आप लोग प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ पाते हैं नेक्स्ट शब्द यहां पर डाउन राइट आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका पर्टिकुलर जो मतलब है वो होता है एक तरीके से स्वार्थ ठीक है स्वार्थ बोल सकते हैं बेसिकली ठीक है टोटल कंप्लीटली यानी कि परिपूर्ण होना एक तरीके से पूर्ण होना वो वाली चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी किसी चीज का कंप्लीट होना भी आप लोग बोल सकते हैं जिस चीज को कंप्लीट बोला जाए तो वहां पर ये शब्द भी यूज किया जाता है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग शब्द है जो कि कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डिस्पोजिशन यानी कि स्वभाव आप लोगों का हैबिट क्या है एक टेंडेंसी नहीं होती कि चीज को करने की पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं एक तरीके से तो वो होता है डिस्पोजिशन यानी कि ये इंसान इस तरीके चीजों को देखता है तो ये इसकी हैबिट है ये इसका स्वभाव है तो ये काफी इंटरेस्टिंग शब्द है आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर यह है गाउंट यानी कि एक तरीके से दुर्बल यानी कि थिन या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है एक तरीके से ना एक काफी दुबला पतला बोल देते हैं ना कई बार है कि हवा में उड़ेगा इसको देखो ठीक है इसका अपोजिट आप लोगों को फैट देखने को मिलेगा वैसे ये अच्छा मौसम है अगर आप लोग दुबले पतले हैं और आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा फैट चढ़ाना है तो ये सही मौसम माना जाता है एक तरीके से बॉडी पर फैट चढ़ाने के लिए और जो ऑलरेडी फैटी हैं उनके लिए खतरनाक बेसिकली मौसम है वो और ज़्यादा फैटी हो जाएंगे अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसा रीज़न होता है जब इंसान जो होता है वो एक्सरसाइज करने से बचने लगता है बहुत ज़्यादा तो इसलिए चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप लोगों को देना है अगर रियलिटी में चाहते हैं अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में आगे लेके चलना ओके तो एक्सरसाइज से नहीं बचना है वरना बहुत सारी बीमारी लगती हुई नजर आएंगी पूरा लेक्चर सुनने के बाद में ये बताया करो कि कितना आप लोगों ने आज सीखा और किस तरीके से आप लोगों ने इसको रिव्यू करना है बेसिकली थोड़ा सा सोचा करो कि क्या क्या सीखा है और थोड़ा सा एनालिसिस किया करो कि कितनी चीजें आप लोगों को याद है और क्या क्या चीजें आप लोगों को पसंद आई ठीक है पुरुषोत्तम दास टंडन ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था ये भारत रतन अवॉर्डी एक पर्सनैलिटी आप लोगों यहाँ पर नजर आएंगे जिनके बारे में आप लोग याद रखेगा इनके द्वारा जो कंपेन चलाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को सपोर्ट करने के लिए तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए एक बात और यार जो मैंने कमेंट आप लोगों से डिस्कस किया है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर रियलिटी में आप लोग अपने टारगेट पर फोकस देकर चलेंगे तो आप लोगों को एक सही इंसान भी मिलेगा जिंदगी में और आप लोग अपनी लाइफ में एक खुशी भी आप लोग पा पाओगे अपने ऊपर फोकस देना सीखो यार जब तक दूसरी चीज़ों के ऊपर आप लोग फोकस देते रहोगे ना तब तक जिंदगी में आप लोग को ऐसी ही दिक्कत ऐसी ही प्रॉब्लम आप लोग को नजर आएंगी आप लोगों को अपने लिए जिंदगी जीना सीखना है जब तक आप लोग अपने लिए जीना नहीं सीखोगे ना आप लोग दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे वही बात है कि अपनी हेल्थ तो ठीक नहीं कर पा रहा है एक इंसान और वो कह रहा है कि मैं हेल्थ एक तरीके से इंस्ट्रक्टर बनने जा रहा हूँ पहले अपनी हेल्थ तो ठीक कर लो यार तभी तो दूसरों के लिए हेल्थ इंस्ट्रक्टर बनना आप तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो इसीलिए गांधी जी क्या किया करते थे पहले वो खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते थे जब दूसरों को सलाह देते थे कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हो तो इसीलिए ज़िंदगी में ये प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें एक साइड में धरी रह जाती हैं जब तक आप लोग लाइफ में सक्सेस रहते हो तो ही सारी चीज़ें सही हैं जब इंसान भूखा रहता है ना आप लोगों ने सुना होगा भूखे पेट भजन नहीं होते हैं तो किसी इंसान को आप लोग देखना जिंदगी में जब गुरबत होगी अक्सर लोग छोड़कर भाग जाया करते हैं तो इसलिए हमेशा अपने आप को इस मुकाम पर रखो कि आप लोगों किसी की जरूरत एक तरीके से महसूस ना हो और आप लोग चाहो तो किसी की सपोर्ट बन सको ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप लोग रहो तो इसलिए करियर के ऊपर जरा सी भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है आई होप की चीज आप लोग समझ रहे होंगे और इसी के साथ में आज का लेक्चर समाप्त करते हैं फीडबैक जरूर दे दिया करो अच्छा बुरा जैसा भी लेक्चर लगता है मोस्ट वेलकम अच्छा लगता है तो अच्छी बातें बता बताया करो बुरा लगता है तो बुरी बातें और सारी बातें अजय फीडबैक के तौर पर लेता हूँ ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे ठीक है तो आप लोगों को बस फीडबैक देना है तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं मोज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो एक एक-एक दिन इतना इंपॉर्टेंट है अच्छे से इसको निचोड़ लो ठीक है डायलॉग बन गया तो नेक्स्ट मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करार तब तक के लिए जय हिंद